जय गुरुदेव नाम किसकार, जय गुरुदेव नाम किसकार, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। निहर की नजर करो मेरी ओर, निहर की दया की नजर करो मेरी ओर, दया निशदीन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निशदीन जैसे चंद्र चकोर जय दया की नजर करो मेरी ओर, दया की जानून कौन भूल हुई तन से जान, यो हम से मुख मोड़ो हृदया की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जान चूक विसराओ, आया शरण अब मैं तोरया, हृदया की नजर करो मेरी ओर, दया की सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरी आकस भयउ कठोर, मेरी बेरी दया की नजर करो मेरी ओर, दया की शरणागत की लाज न राखो, शरणा मोसो पतित अब जाए कहीं और, मोसो हृदया की नजर करो मेरी ओर, दया की हर की नजर करो मेरी ओर, हर की जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ
सर्वत्रष्मणी परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे यूं बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 1 जून 2018 को आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया मेहरबानी हुई, मालिक की कृपा हुई कि आप गृहस्थी के नाना जंजाल से थोड़ा समय निकाल पाए और यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए। पहले के समय में बराबर लोग समय निकाल कर सत्संग सुनने के लिए जाते रहते थे। जब सत्संग लोगों को मिलता रहता था तो आज की तरह से परेशानियाँ नहीं थी, आज की तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं था, आज की तरह से बीमारियाँ नहीं थी, आज की तरह से वैमनस्य और साद्वेष नहीं था, आज की तरह से झूठ फरेब बेईमानी नहीं थी। लोग सत्य रूप के धर्म का पालन करते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, जीवों पर दया करते थे। कहते थे कि दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें लोग पीरा। दया धर्म को अपनाओगे तो वो मालिक तुम्हारी भी रक्षा करेगा, तुम्हारी भी जान बचाएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम कहते थे मुसलमान कि मालिक वो रहमान है, तो रहम दिल बनो। लोग जब सत्संग सुनते थे तब लोगों के अंदर सेवा भाव था। किसी के दरवाजे पर कोई पहुंच जाए, शाम को तो रोटी खिलाता और सोने की जगह देता था। कोई भी घर से निकले, किसी को ये फिक्र नहीं रहती थी कि रात को कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन जब से सत्संग मिलना बंद हो गया तब से आदमी बस अपने पेट के लिए ही सब कुछ करने में लग गया, इस शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लग गया। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाओ शरीर के लिए, खाओ पियो, बच्चा पैदा करो और इस दुनिया संसार से चले जाओ। अब यही काम तो देखो पशु और पक्षी भी करते हैं, वो भी तो पैदा होते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं। तो आदमी और उनमें अंतर क्या रह गया? यह मनुष्य शरीर सोचो कि उनसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया, देव दुर्लभ क्यों कहा गया, देवता इसके लिए 24 घंटे उस मालिक से प्रार्थना क्यों करते रहते हैं कि नर समान ने कौनो दे ही जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चारों रचर के जीव हैं सब यही प्रार्थना करते रहते कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य पाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, यह भी मैं आपको बतलाता हूँ। देखो इस वक्त पर इंसान जो कुछ भी काम करने में लगा हुआ है, कहता मेरा काम है, मेरा घर बन रहा है, मेरी दुकान तैयार हो रही, ये मेरी दुकान खुल गई, ये मेरी जमीन जायदाद है, ये मेरा रुपया पैसा है, लेकिन आँख बंद होने के बाद मरने के बाद उसका रह जाएगा? यहाँ की कोई चीज वो वहाँ ले जा सकता है? कोई चीज वहाँ नहीं ले जा सकता, क्योंकि जिस रास्ते से ये जीवात्मा निकाली जाती है वो बहुत ही पतला रास्ता है और जीवात्मा भी देखो बहुत छोटी है। अब आप जो नए लोग आए हो तो उनको थोड़ा जीवात्मा के बारे में बताऊंगा, नए लोग समझोगे कि नहीं जीवात्मा क्या चीज है। देखो आप यहाँ पर बैठे हो और आपके शरीर में छुरा मार दिया जाए, सुई चुभो दिया जाए तो दर्द होगा, रोओगे, लेकिन जीवात्मा निकल गई
तो शरीर धड़ाम से गिर जाएगा और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, पता नहीं चलेगा। तो ये जीवात्मा ये शरीर को चलाती है, ये जीवात्मा ही अन्य समय जो गर्मी ठंडी दुख और सुख का भान ज्ञान कराती है, अनुभव कराती है। तो ये परमात्मा की अंश जीवात्मा, ये बहुत छोटी है, आप इसको देख नहीं सकते हो, दुनिया के किसी भी मशीन से इसको देख नहीं सकते हो। कोई माइक्रोस्कोप जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं ऐसा नहीं बना कि जीवात्मा को देखा जा सके। यही कारण है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर दिमाग का ऑपरेशन कर देते हैं, किडनी निकाल कर फिर से लगा देते हैं, गोर्दा फिर से लगा देते हैं, यानी काट करके जोड़ करके अन्य समय लो कि शरीर को सही कर देते हैं, चलने फिरने लायक कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं पता लगा पाए कि कौन सी ऐसी चीज़ निकलती है कि जिससे इस शरीर में सड़न गलन बदबू आने लगती है। अभी आप कहीं जा रहे हो, थकावट आ गई, पेड़ के नीचे बैठ गए, नींद आ गई, सो गए, तो पेड़ के ऊपर जो गीढ़ और कौवा बैठे रहते हैं खाते नहीं हैं, शरीर को काटते नहीं हैं, लेकिन जीवात्मा निकल गई तो तुरंत इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है और हवा के जरिए दूर जाती है बदबू, और उसी हवा के जरिए अन्य सूंघते सूंघते या गीध और कौवा पहुँच जाते हैं और शरीर को खाने लगते हैं। तो जीवात्मा जो है अन्य वही इसको चलाती है, लेकिन अब वो निकलती है तो डॉक्टर वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए क्या चीज़ निकलती है। तो यह है परमात्मा की अंश। अंश किसको कहते हैं, बहुत छोटा सा टुकड़ा, छोटे से छोटा, तो ये तो बहुत छोटी है, सुई के नोक का हजारों गुना आने समय लो छोटा टुकड़ा भी है, अंश से बड़ा निकलेगा, इतनी छोटी है। यही आपके अंदर भी है, यही ऊंट बकरी के अंदर भी है, यही हाथी घोड़ा के अंदर भी है, यही चींटी के अंदर भी है, और चींटी से भी जो छोटे कीड़े हैं उसके अंदर भी वही जीवात्मा है, उसी मालिक की परमात्मा के अंश यही जीवात्मा है। तो 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो ये जीवात्मा उसमें डाली जाती है, और जब डाली जाती है तो यानी पतले तार के द्वारा डाली जाती है ऊपर से ऐसे, और उसमें आ जाती है माँ के पेट में, तो उसी के उसी रास्ते से जिस रास्ते से डाली जाती है उस रास्ते से उस मालिक का दर्शन होता रहता है। जा तो नहीं सकती, कोशिश तो करती है कि जहाँ से हम उतारे गए वहीं फिर चले जाएं, लेकिन वहाँ जा नहीं सकती है क्योंकि ये एक तरह से असहाय हो गई। जैसे बूंद ऊपर से पानी की गिरती है तो नीचे जब जमीन में आ जाती है तो जा नहीं सकती है। अब यह है कि जब नीचे उतारी गई तो निकलने का रास्ता भी यानी उन्होंने बनाया है, रास्ता बताने वाले को समय समय पर वो भेजते हैं। ये तो पूरी बात अब आप जब सुनोगे तब आपके समझ में आएगा। ये भी आपको बता दें कि जैसे पानी ऊपर से बरसता है और नीचे ज़मीन में जमा हो जाता है, अब ये पानी ऐसे नहीं जा सकता, यानी वो बूंदें फिर ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन पानी को गर्म कर दो, गर्म कर दोगे तो भाप बनेगा और ये पानी ऊपर जाएगा, और ऊपर ठंडी है, यानी समझ लो कि जैसे जैसे पहाड़ों पर आप जाते हो तो देखते हो कि वहाँ यहाँ से ज़्यादा ठंडी बढ़ती जाती है, और ज़्यादा ऊँचे जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों पर तो बराबर ठंडी बनी रहती है, ऐसे ही ऊपर जब यह बढ़ती तो ऊपर ठंडी मिलती है, और ठंडी मिलती है तो वो फिर भाप बन करके वो फिर नीचे बढ़ जाता है, वही बादल बन जाता है। तो सिस्टम तो सब है, लेकिन जानकारी में यानी ये हो पाता है तो आपको बताऊंगा। अब आप पूरी बात जब ध्यान से सुनोगे तो आपके समझ में सब बात आ जाएगी। तो ये कोशिश तो बहुत करती है कि हम मालिक के पास पहुंच जाएं, लेकिन पहुंच नहीं सकती है। तो प्रार्थना करती रहती है कि हमको अब बुलाओ आप किसी तरह से, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देते। माँ के पेट में बराबर दर्शन होता रहता है बराबर, लेकिन माँ के पेट में पिछले जन्म में कहाँ थे इसकी भी जानकारी रहती है।
अभी आपसे पूछा जाए, किसी एक आदमी से पूछा जाए कि आपकी कितनी उम्र है, तो कहोगे 25 साल 2 महीना 3 दिन। इसके पहले कहाँ थे, तो कहोगे माँ के पेट में थे। उसके पहले कहाँ थे, जी आपको नहीं पता है। अब आप ये समझो कि ये जो परमात्मा की अंश जीवात्माएं हैं, यहाँ जब ये ऊपर से उतारी गई, तो उस समय पर यानी समझ लो कि यानी सतयुग का समय था, सबसे पहले सतयुग ही आया था। अब ये उतारी गई और उतारी गई तो ये यानी उस समय पर यानी अपने देश अपने लोक में जा चली जाती थी। लेकिन जब ये त्रेता द्वापर और कलयुग आया तो धीरे 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 वो रास्ता यानी समझ लो कि यानी कठिन हो गया। उस रास्ते पर समझ लो कि कर्मों के पर्दे लगते गए, तीसरी आंख के सामने कर्मों के पर्दे लगते गए, तो दिव्य दृष्टि बंद हो गई, तो जाना बंद हो गया। तो जब जाना बंद हो गया तो नरकों में भेज दी गई कर्मों के अनुसार। कर्मों का विधान जब बना तो ये नरकों में डाल दी गई, 84 में चक्कर काटी, ये कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर कि ये जो बिच्छू की योनि मिलती है ये 84 योनि है। कर्मों की सजा भोगने के लिए इसमें डाल दिया जाता है। तो कितनी बार कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जो आपके अंदर जीवात्मा है ये बंद की गई। ना मालूम कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, कितने युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग बीत गए और अभी तक ये जीवात्मा मालिक के पास पहुंच नहीं पाई। तो पिछले जन्म में कहाँ थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, कहाँ थे, ये माँ के पेट में दिखाई पड़ता है। और जब ये देखती है जीवात्मा कि देखो हम चूहा थे और बिल्ली ने पकड़ा और नोच नोच के देखो खा रही है, मेढक थे और सांप ने पकड़ा, अब वो न निकल रहा है न छोड़ रहा है, अब वो दबा रहा है हमको, धीरे 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 दबा करके खींच रहा है। ये सब जब देखती है तब रोती है, चिल्लाती है और प्रभु से प्रार्थना करती है कि अब जल्दी से तैयार करके बाहर निकालो, बाहर निकालो प्रभु, बराबर प्रार्थना जीवात्मा करती है। अब आप ये समझो कि माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रहता है कि जिससे जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। आप देखो किसी पशु में पक्षी में रास्ता नहीं है, कीड़े मकोड़ों में रास्ता नहीं है, यहाँ तक कि देवताओं में भी रास्ता नहीं है। 17 तत्वों का लिंग शरीर तो उनका जरूर होता है लेकिन उनमें भी वो रास्ता नहीं। स्वर्ग और वैकुंठ में वो रहते हैं लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर भी लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल महाकाल बहुत से लोक हैं, उन लोकों में भी नहीं जा सकते। पूरी छेड़ है मृत लोक है, जब पूरी छेड़ हो जाता है तो मृत लोक में आना पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि उनके अंदर भी ऐसा रास्ता नहीं जो रास्ता आपके अंदर है। नर्क 84 से बचने के लिए, जन्म ने मरने की पीड़ा से बचने के लिए जो रास्ता आपके अंदर है उनके अंदर भी नहीं है। तो ये ज्ञान माँ के पेट में रहता है कि भाई और किसी में रास्ता नहीं है, मनुष्य शरीर में ही रास्ता है। यह भी ज्ञान रहता है कि जब सतगुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, मुर्शिद कामिल मिलेंगे और वो रास्ता बताएंगे, तभी हम उस मालिक तक पहुंच सकते हैं जिसकी हम बूंद हैं, जिसकी हम अंश हैं, उस समुद्र रूपी यानी मालिक के देश में मालिक के पास पहुँच सकते हैं। यह भी ज्ञान रहता है, तब प्रार्थना करती रहती बराबर। तो स्वामी जी महाराज ने कहा अब प्रभु कृपा करहु यही भांति और सब अच्छा जी भजन करहु दिन राति, या प्रभु या मालिक मुझको बाहर निकालो। बाहर निकल करके होश संभालते ही सदगुरु की खोज करूँगा, सच्चे गुरु मुर्शिदे कामिल की खोज करूँगा, उनसे रास्ता लेकर के दिन रात भजन करूँगा, दिन रात आपको याद करता रहूँगा, आपका दर्शन करता रहूँगा और जब समय पूरा होगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। ये जीवात्मा माँ के पेट में बराबर प्रार्थना करती रहती है लेकिन बाहर आने के बाद भूल जाता है, क्योंकि ये देश किसका है,
काल और माया का देश है। काल किसको कहते हैं? काल उनको कहते हैं जो पल भर में, पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में उसको बना दे इस दुनिया को और पल भर में खत्म कर दे, तो ये उनका देश है। और ये जो सूरत की आत्मा है, इसकी डोर उन्हीं के हाथ में है, उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। उन्होंने जब आर्या महाशक्ति के संपर्क से इधर रचना किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को जब पैदा किया और आने समझ लो कि इनके द्वारा सृष्टि की यहाँ पर विस्तार किया, सृष्टि की रचना करवाया, तो उसी समय सूरज की डोर को, जीवात्माओं की डोर को अपने हाथ में ले लिया। और मन, यह मन जो होता है, मन जिसके कहने पर यह शरीर चल देता है, 3.5 हाथ का शरीर खड़ा हो जाता है, चल देता है, बैठ जाता है, मन गाली दिला देता है, मन असीम मार पीट करवा देता है, कराता यह मन ही है, सब कुछ मन कराता है। और तकलीफ किसको होती है? शरीर को। मन ने कह दिया कि चल पड़ो ठंडी में, अब ठंडी लग गई, मन ने कहा धूप में दौड़ लगा दो, अब लू लग गया तो कौन भोगेगा? शरीर कष्ट शरीर को होगा। एक औरत थी तो उसने एक बकरा और एक बंदर पाल रखा था, रोटी बना के रख दिया, चली गई पानी भरने के लिए, तो बंदर को शरारत सूझी, तो बंदर ने क्या किया, अपने गले से रस्सी निकाल दिया और गया रोटी खाया। रोटी खाने के बाद बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया, बकरा घूमने लग गया इधर उधर, और बंदर आया वापस और अपनी रस्सी को अपने गले में डाल के आराम से बैठ गया। अब वो आई, देखा रोटी गायब, बकरा घूम रहा है, तो कहा नाश काटे, बकरे ने रोटी खा लिया। अब उठाई लठ डंडा लाठी और लगी मारने उसको, बकरे को। पड़ोसी ये सब हरकत देख रहा था, तो पड़ोसी ने कहा रोटी तो खाया बंदर ने और मार रही है तू बकरे को, बकरे को क्यों मार रही हो, तो निर्दोष है। औरत ने कहा बंदर तो बना पड़ा है और बकरा खुला है, रोटी तो बकरे ने खाया। जब उसने सारी बात बताई तो विश्वास आया उसको। ऐसे ही मन यह सब कुछ कराता है और शरीर तकलीफ झेलता है। अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है, अगर चिंतन चित्त से नहीं किया जाता है कि मन ये कह रहा है कि इनको मार दो, इनको काट दो, इनको गाली दे दो, आप बुद्धि का प्रयोग अगर नहीं किया, चित्त से चिंतन नहीं किया कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो आने समय लो तकलीफ तो शरीर से झेलनी ही पड़ेगी। तो यह मन अलग है और चित्त अलग है और बुद्धि अलग है और जीवात्मा अलग है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब आप ये समझो कि यह मन की डोर जो है वो किसके हाथ में दे दिया? माया के हाथ में। माया किसको कहते हैं? माया दो तरह की होती है, एक जड़ माया, एक चेतन माया। जड़ माया कहते हैं उसको, जड़ उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके, और चेतन उसको कहते हैं जो आवे जाए एक जगह से दूसरी जगह। तो जड़ माया कहते हैं रुपया पैसा हीरा मोती जमारात सोना चांदी, ये जड़ माया है, और चेतन माया इनको औरतों को बताया गया, तो इनका पसारा हो गया। अब आजकल देखो इनका ज़्यादा जोर है, युग के हिसाब से यानी कलयुग के हिसाब से इनका ज़्यादा जोर है। तो कहा गया कि इनका पूरा पसारा हो गया। गोस्वामी जी ने कहा गो गोचर जहाँ मन लग जाई और सो सब माया जानो भाई, जहाँ तक नजर दौड़ाओ सब माया का ही पसारा है। तो माया की डोर यानी मन की डोर माया के हाथ में आ गई, तो माया का पर्दा पड़ गया, अब दर्शन होना हो गया बंद। तो आप देखो आज तक कोई बच्चा चढ़ीन बनियान पहन करके पैदा हुआ, सूट बूट पहन कर? कोई नहीं, सब नंगे पैदा हुए। कहते हैं कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे, कितना भी धनी मानी क्यों ना हो, पहलवान बलवान हो, लेकिन शमशान घाट पर जाते समय शरीर पर कुछ रखते हैं? धागा तक एक शरीर में नहीं रखते, एक लोहे की रिंग अंगूठी भी शरीर में नहीं रखते, सब उतार लेते हैं। कहते हैं सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा, जो कुछ भी शरीर के लिए कर रहे हो कोई एक भी चीज़ जाने वाली नहीं,
तो बात तो सही है, जिस रास्ते से जीवात्मा इसमें डाली जाती है उसी रास्ते से निकाली जाती है। तो अब जब जीवात्मा बहुत छोटी है और वो रास्ता बहुत छोटा है तो उसमें यहाँ की कोई चीज़ कैसे जा सकती है, सब यहीं सब छूट जाता है। तो जब पैदा होता है बच्चा तब रोता है, क्यों रोता है किसी को पता है क्यों रोता है? अभी कोई आदमी रोने लगे, कोई औरत रोने लगे, कोई लड़की रोने लगे तो उसकी आवाज़ सुन करके आप पहचान जाओगे, कहोगे भाई इसके घर में कोई मर गया है, ये बुढ़िया रो रही है, ये लड़की की विदाई हो रही है, ये अपने ससुराल जा रही है, तो ये इस तरह से शिशक शिशक के रो रही है, देखो इसको कोई मार रहा है या तकलीफ दे रहा है या आदमी इसलिए रो रहा है। तो आदमी के आदमी आवाज़ सुन करके तो पहचान जाता है, लेकिन बच्चे की आवाज़ कोई नहीं पहचान पाता है कि क्यों रो रहा है और हाथ पैर से इशारा करके क्या कह रहा है। आप यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हो, बंगाल चले जाओ, आप चले जाओ उधर उड़ीसा बंगाल और उधर असम नागालैंड चले जाओ, इधर तमिलनाडु और उधर गुजरात चले जाओ, तो ना तो वो बोली आप समझ पाओगे और न वो आपकी बोली समझेंगे। लेकिन किसी के भी सामने अगर आप ऐसे करोगे, ऐसे 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 हाथ दिखाओगे तो कहेगा प्यासा है पानी पिला दो, ऐसे ऐसे करोगे ऐसे इस तरह से ऐसे तो कहेगा भूखा है दे दो कुछ मांग रहा है, ऐसे करो ऐसे तो कहेगा भूखा है मांग रहा है इसको कुछ दे दो। तीर्थ करने वहाँ जाते हैं जगन्नाथपुरी रामेश्वरम, अनपढ़ लोग भी सामान खरीद लाते हैं वहाँ से, दाल चावल सब साग सब्जी, अब वो बेचने वाले क्या करते हैं ऐसे रुपया दिखाते हैं और बाट दिखाते हैं 500 ग्राम 200 ग्राम भी और एक किलो ऐसे दिखाते हैं कि ये इतने का है और इशारा करके ये चीज़ जितने की है तो वो उतना ऐसे लेकर के खरीद लाते हैं। तो इशारा तो आदमी आदमी का समझ जाता है लेकिन बच्चे का इशारा लोग नहीं समझते। तो क्या करते हैं लोग, कहते लड़का बहुत रो रहा है चलो डॉक्टर साहब को दिखाया जाए, डॉक्टर साहब तकलीफ दूर करेंगे। डॉक्टर को क्या पता क्यों रो रहा है, लेकिन उसका काम क्या है डॉक्टर का, यानी आराम दिलाना, रोते हुए को चुप करना, इंजेक्शन लगा देता है नींद का, नशे का इंजेक्शन लगा देता है। नींद में क्या होता है, नींद के इंजेक्शन में नशा ही होता है, मस्त हो जाता सो जाता है। अब आपने तो कह दिया कि लड़का हमारा सो गया, डॉक्टर साहब ने तकलीफ दूर कर दिया, लेकिन इतने छोटे बच्चे को जब वो इंजेक्शन लगता है तो वो इतना ख़राब असर उसके शरीर के ऊपर डाल देता है कि उसके विकास में बाधा आ जाती है। एक चीज़ आपको और बता दें, ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ जैसे इनका मासिक धर्म बंद होता है पट्टे से ये टेस्ट कराना शुरू कर देती, अब पिंड जैसे माँ के पेट में बनना शुरू होता है तैसे ये टेस्ट कराना शुरू कर देती, तरह तरह का टेस्ट, और कोई भी टेस्ट हाथ से छूकर नहीं होता है, सब बिजली के किरणों से ही होता है। और वो बिजली की किरणें जब उस लोथड़े के ऊपर पड़ती हैं तो उसका विकास रुक जाता है, यानी तब वो डॉक्टर को दिन के बाद ये बोलने लगते हैं कि ग्रोथ बंद हो गया, मुर्दा हो गया, ये बच्चा बढ़ नहीं सकता है, अब अभिभाषण कराओ, अब इसको बाहर निकलवाओ। अरे पहले कोई अभिभाषण या पहले कोई अल्ट्रासाउंड या कोई एक्सरे ऐसा होता था और आराम से अन्य बच्चा अन्य समझ लो कि पैदा करती थी, ऐसे चक्की चलाते चलाते ऐसे बच्चा पैदा हो जाता था, मेहनत करती थी संयम नियम से रहती थी। अब आजकल इस समय पर जो पढ़ी लिखी अन्य लड़कियां आती हैं बहू बन करके घर में, अनपढ़ सास से बात करना पसंद करती हैं नहीं करती, हम तो पढ़े लिखे अहंकार में रहती, लेकिन जो अनुभव उनको होता है जीवन का अनपढ़ सास को वो इनको कहाँ मिलने वाला। ये भी बता दें आपको, कोई MBBS MS करके लड़की आवे डॉक्टर बन करके आवे तो दूसरे लड़की के यानी औरत के पेट से बच्चे को तो ऑपरेशन करके निकाल देगी, लेकिन जब उसके पेट में बच्चा आएगा तो
अपने पेट का ऑपरेशन करके निकाल पाएगी, लेकिन वो अनपढ़ सास आराम से बाहर निकाल देगी, आराम से हाथ फेर कर युक्ति बता करके निकाल देगी। इस समय पर देखो लूले लंगड़े बच्चे क्यों पैदा हो जाते हैं, अंधे बच्चे क्यों पैदा होते हैं, किसी से पूछो कोई बता पाएगा? कारण होता है जो अन्य माताएं यानी समय लोग के नियम संयम से रहती हैं, जो सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, पूजा पाठ जिसको कहते हो करती रहती हैं, सच्चाई पर ईमानदारी पर रहती हैं, जिनके भाव अच्छे रहते हैं, भक्ति जिनमें रहती है, उनके बच्चे ठीक से पेट में पल करके और बाहर बुद्धिमान सुंदर सुशील पेट से निकल आते हैं। अब आप समझो कि ये कही माँ बाप के दो बच्चे कहते हैं कि ये तो बहुत तेज दिमाग का है, बहुत पढ़ने में अच्छा है, कोई भी बात बताओ तुरंत पकड़ता है, समझता है और जो भी आदेश करो उसका पालन करता है, और दूसरे बच्चे को कहते हैं कितना पढ़ाते रहो, इसको बताते रहो, इसके समझ ही नहीं आता है, कोई कहता भूसा भरा हुआ, कोई कहता गोबर भरा हुआ, इसके दिमाग में जब नाराज होता है तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि नियम संयम से माँ नहीं रह पाई, भजन भाव भक्ति उसके अंदर नहीं रहा, इसलिए वो बुद्धिहीन पैदा हो गया। तो अब आप ये समझो कि अन्य बच्चा अन्य रोता क्यों है, ये बता दूँ आपको। लोग बताते तो हैं कि खराब कर्म करोगे तो नर्क चले जाओगे, तो ये बात तो सब लोग बताते हैं, लेकिन भाई नर्क से बचोगे कैसे? अब बुरा कर्म तो बन गया तो अब उसका उपाय क्या है, माफी का क्षमा का उपाय क्या है, ये बताना ज़्यादा जरूरी होता है। माफी का रास्ता बताना जरूरी होता है, माफी कराना जरूरी होता है। तो अब आप ये समझो कि रोटा क्यों, ये भी बताना जरूरी है। रोटा इसलिए है कि जब माँ का पेट में था 5 महीना 10 दिन पर जीवात्मा डाली गई, तब से जब से यानी डाली गई बाहर नहीं निकला तब तक बराबर दर्शन होता रहा, और जब बाहर निकला माया का पर्दा पड़ गया तो दर्शन होना बंद हो गया। सब चिल्लाया कहाँ पहुँच गए। दूसरा कारण क्या है, जब माँ के पेट में था बहुत मुलायम जगह पर था, उमल जगह पर था, अब बाहर जब निकला तो उस कोमल शरीर में ये गर्मी ठंडी या हवा की किरणें इस कदर लगी कि मालूम पड़ा सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभ हो रहा है। तब रोया। जब पैदा हुए तब रोए, कोई इसमें से ये कह सकते हो कि हम नहीं रोए थे? सब रो के पैदा हुए, रोए तब पैदा, यानी पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, लड़कों से खेल खेल में झगड़ा हुआ तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, और पढ़ लिख लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। कोई दिन बाकी ऐसा नहीं है कि जिस दिन सत्संग हो और हमको लोग ये न कहें, कोई न कोई एक दो आदमी ऐसे न मिले कि जो कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, दया हो जाए शादी हो जाए, और बीच बीच में कुछ ऐसे भी मिल जाते कि उब गए, अब जान का खतरा पैदा हो गया, अब किसी भी तरह से छूट जाता तो ठीक, दया करो जल्दी से छूट जाए। अब आप देखो कि जिसके पास रुपया पैसा नहीं है कहता रुपया पैसा हो जाता है, हम भी बड़े आदमी बन जाते, हम भी अच्छा खाते अच्छा पहनते कोठी में रहते अच्छी गाड़ी घोड़ा में चलते, हमारे पास रुपया हो जाता, वो दुखी, और जिनके पास ज़्यादा रुपया है वो दुखी। कुछ लोगों का मन तो रुपया पैसा कमाने में ही लग जाता है, मार के ले आओ काट के ले आओ लूट के ले आओ कैसे भी ले आओ, क्योंकि मन उधर चला गया, मन जिधर चला जाता है वही काम कराता है। अब आप ये समझो कि मन अच्छे काम में अगर लग जाए तो खूब अच्छा काम कराता है, और मन अगर बुरे काम की तरफ चला गया तो फिर अच्छे काम की तरफ नहीं जाता है, फिर वो बुरा ही कराता है,
यही कारण है कि एक आदमी एक अपराध जब करता है तो फिर दूसरा भी अपराध करने लग जाता है और फिर उसकी वो आदत में चीज आ जाती है। एक आदमी कोई भजन करने लगता है, अगर धार्मिक विचार का धारा बन धार्मिक विचारधारा का बन जाता है तो सब धर्म ही का काम करता है। झूठ बोलता तो झूठ ही बोलेगा, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, और सत्य अगर बोलेगा हाँ तो प्राण जाए बोल वचन न जाए, यानी बोल दिया तो प्राण भी निकल जाए लेकिन फिर आनी समझ लो कि झूठ उसको झूठ नहीं बोलेगा, वचन जो दे दिया वो पूरा पालन करेगा, तो मन ये जिधर चला जाए। तो एक सेठ मरने लगा तो बहुत रोया गिड़गिड़ाया, क्योंकि मन तो लगा हुआ था पैसे, कहाँ हमारा सब, हम बता नहीं पाए हैं, जिसको दिया था सब ले लेंगे, ठग लेंगे, और अभी हमारा बैंक का ब्याज नहीं लगा, और ये नहीं हुआ वो नहीं, छोड़ दो। अरे बोले छोड़ने के लिए आए हैं, यमराज के दूध जब आते हैं तो वो आने समय लोग छोड़ते हैं, और उनको तो देखते ही आने समय लोग की जीव रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान टुटली हो जाती है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है, आखिरी वक्त पर कोई मदद कर सकता है? जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इस कदर वो आते हैं कि मालूम पड़ता है कि देखते ही अभी प्राण निकल जाएगा, खून पानी हो जाता है यमराज के दूतों को देखते ही। ऐसा डर जाता है ये जीव कि जैसे बकरा भेड़िया को देख के डर जाता है। भेड़िया जानते हो, जानवर बाहर रहते हैं, इतना बड़ा होता है, और बकरा इतना बड़ा है। जहाँ पर बकरा रहता है रात को जाता है भेड़िया, और उसके कान में से धीरे से मार देता है, तो कान में एक नस होती है, उस नस पर जब हाथ पड़ जाता है तो एकदम कांप जाता है डर के मारे। आदमी के कान में भी नस होती है, जब कोई लड़का ऐसा उंघाता रहता है सुस्ती में आ जाता है तो मास्टर जी लोग क्या करते हैं, कान ही तो गर्म करते हैं, ऐसे कान थोड़ा सा ऐसे ऐड देते हैं, बस चैतन्यता आ जाती है, आपको नींद आ रही हो यही आजमाइश करके देख लो, सुस्ती हो थोड़ा सा हाथ फेर दो कान के ऊपर, देखो चैतन्यता आ जाएगी। तो बकरे के कान में एक नस होती है, उस पर भेड़िया मारता है, बस वो ऐसे चैतन्य हो जाता है, डर जाता है, अब मार के और तुरंत चल देता है जिस रास्ते से आता है, तो बकरा पीछे पीछे चला जाता है उसके डर के मारे। और जब गांव के बाहर चला गया तब घूमा, और घूम करके पीठ पर सवार हो करके गर्दन में नस होती है ऐसे दबाता है, उसको मालूम रहता है कौन सा नस दबाएंगे तो गिर जाएगा, ऐसे पहलवानों लोगों को दांव मालूम रहता है, बस फौरन उसी दांव पर उसी जगह पर चोट करते हैं बस वो गिर जाता है फौरन। ऐसे ही उसको मालूम रहता है कौन सी नस दबाएंगे तो ये गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, पर बेहोश हो जाता है और तब काटता है खाता है, नहीं तो इतने बड़े आने समझ लो कि बकरे को भेड़िया कैसे काट सकता है। तो समझ लो कि ये जीवात्मा रोती है चिल्लाती है, तो वो शेर तो बोला कहा छोड़ो, दया कर दो, मेहरबानी कर, यमदूतों ने कहा छोड़ने वाला तो नहीं हूँ मैं, हम तो तुमको ले चलने के लिए भेजे गए, हमको तो ले ही जाना है तुमको, अब यह है कि जो यानी तुम्हारी माफ़ी कर सकते हैं, तुम्हारी सजा कम कर सकते हैं, उनसे तुम प्रार्थना करना, उनके पास मैं ले चलता हूँ, वो हमारे बास हैं, हमारे मालिक हैं, यमराज जिनको कहते हैं, तो यमराज के पास ले जाते हैं। तो यमराज के पास पूरा खाका रहता है, खाका क्या किसको कहते हैं, बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक जो अच्छाई बुराई आदमी करता है पूरी लिखा पढ़ी उनके पास रहती है। इस समय पर आप भले सोचो या भले कहो कि आँख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है, लेकिन ये आप पक्की बात समझ लो कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई और बुराई को देख रहा है और सब नोट हो रहा है। यहाँ का कंप्यूटर तो फेल हो सकता है लेकिन उसका कंप्यूटर फेल नहीं होता है, यहाँ का कागज तो फट सकता है लेकिन उसकी जो लिखावट है वो कभी भी अन्य समय लोग फट नहीं सकती, खराब नहीं हो सकती है,
पूरा टेप होता रहता है, उसको जब आप साधना करोगे आपको रास्ता बताऊंगा, और तब आप देखोगे ओ बड़े बड़े पन्ने, सुनहले बही खाता, और उसमें सुंदर लिपियां लिखी हुई, पढ़ तो नहीं पाओगे आप, पढ़ेंगे तो वही कौन, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त किसको कहते हैं? चित्रगुप्त उनके यानी पीए पेशकार जिनको कहते हो वो हैं, तो वो पढ़ते हैं और वो उनको बताते हैं। उनको कुछ पावर भी होता है। कौन सा पावर? कि जैसे झूठ बोलना पाप है, लेकिन किसी की जान जा रही और आपके झूठ बोलने से जान उसकी बच जाए, जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, क्योंकि ये मनुष्य मंदिर है, इसी में वो मालिक के अंश जीवात्मा बैठी हुई। तो मंदिर को कोई ढहाता है, कोई गिराता है, मस्जिद को कोई गिराता है, ये मानव मंदिर है, मानव मस्जिद है, इसी को गुरुद्वारा लोगों ने कहा शरीर को, तो आदमी की जान चली जाए या जान मारना ये बहुत बड़ा पाप होता है। अब झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच जाए तो पाप तो लगा, लेकिन इसकी माफी हो जाती है। जान मारना यानी समझ लो कि झूठ बोल करके जान मरवा दिया या कटवा दिया, जान चली गई, तो बहुत बड़ा पाप बन जाता है, उसकी माफ़ी नहीं होती, इसकी माफ़ी हो जाती है। देखो मनसा वाचा और कर्मणा, तीन तरह के कर्म होते हैं। मनसा कर्म किसको कहते हैं? आदमी सोचता है इनको मार देंगे, काट देंगे, इनके बहन बहू बेटी के साथ ऐसा कर डालेंगे, तो वो मन में पाप हुआ, मुँह से बोल दिया, किसी को तकलीफ हुई गाली कुत्ता दे दिया, वो भी पाप लगता है। तो मनसा और वाचा ये दो कर्म तो माफ हो जाते हैं, लेकिन जो कर्मणा होता है, जो शरीर से होता है, उसकी माफ़ी जल्दी नहीं होती है, उसकी माफ़ी वो भी नहीं देता है, कहता है कि माफ़ी का वक्त तुम्हारा ख़त्म हो गया, तुमको तो मनुष्य शरीर में जब थे तभी माफ़ी मांगना चाहिए था। जिनको अधिकार होता है, पावर होता है, मालिक जिनको इस धरती पर भेजता है, उनके पास तुमको जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, और अपने कर्मों को उनसे कटवाना चाहिए, उनसे तरीका पूछना चाहिए कि जो मेरे से बुरे कर्म बन गए वो कटेंगे कैसे, जाएंगे कैसे, ये तो तुमको वहाँ पूछना चाहिए था, लेकिन तुम तो उस समय पर अपने धन के घमंड में, बल के घमंड में, मान प्रतिष्ठा पौरुष के घमंड में रह गए, तो अब तो तुमको सजा मिलेगी ही मिलेगी, इस तरह से निर्णय दे देता है। तो यानी समझ लो कि सेठ ने क्या किया कि वहाँ फिर रोना रोना शुरू कर दिया, रोना रोना शुरू कर दिया। जैसे कोई सामान की बिक्री के लिए एक बार झूठ बोले और फिर उसी छूट के साथ झूठ ही झूठ बोलते गए, पैसे के लालच में, तो ऐसे ही उनकी आदत बन जाती है रोने रोने की, कैसे भी कह करके। तो अब आप ये समझो कि कहा कि माफ़ कर दीजिए, तो उन्होंने कहा माफ़ तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम रोज चिल्ला रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ सहूलियत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो तुम्हारे लिए पुण्य है और बाकी तो तुमने पाप ही किया जीवन भर, तो पुण्य के आधार पर तुमको कहो तो थोड़े दिन के लिए स्वर्ग भेज दें और उसके बाद तुम नर्क भेजें, तो बोल कहाँ भेजें। अब वो देखो पैसे का लोभी सेठ कहता है कि नर्क स्वर्ग से हमको मतलब नहीं है, जहाँ 150 रुपये फायदा हो वहीं भेज दो। अब देखो पैसे तरफ कितना, यानी उसका ध्यान वहाँ भी। हमारा यमदूतों निश्चा था, दिया दोनों गाल पर टड़ाटड़, और कहा जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तू नहीं दे रहा है और इधर उधर की बातें कर रहा है, बोल बोल तो उसको कहाँ भेजा जाए। तब उसने कहा अच्छा सरकार, न नर्क भेजो न स्वर्ग भेजो, हमको बीचों बीच में बैठा दो और वहीं दुकान खोल लेंगे, दोनों तरफ से ग्राहक आएंगे। ऐसे ही सेठ लोग होते हैं, पैसे के लोभी और लालची। तो जब नोटबंदी हुई तो एक सेठ को नींद ना आवे, चारपाई पर रात में उठे बैठे लेट जाए, फिर टहलने लग जाए, 3 दिन हो गया, नींद जब नहीं आई तो लेकर के गए लड़के लोग डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब ने कहा क्या हो गया सेठ जी को? बोले सेठ जी,
वो नींद नहीं आ रही है। अरे तो बोले नींद की गोली दे दिए होते। लड़के ने कहा तीन तीन गोली खा गए, नींद नहीं आई। अब डॉक्टर सोचने लगा तो कौन सी दवा दें, अब कैसे नींद लाऊं। तब तक लड़के ने कहा चौथी गोली दे दें। बोला चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं, सोते ही रह जाएंगे। अब आप ये समझो कि जिनके पास ज़्यादा है वो इस तरह से नींद नहीं आ रही, जिनके लड़का नहीं पैदा हो रहा है, कह दो चलो गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुंदरी चढ़ाओ, चलो मजार पर चद्दर चढ़ा लो, चलो तीरथ कर आओ गंगा यमुना में, डुबकी लगा करके पूत मांग लो, सब जगह जाएगा। नहीं पैदा हुआ तो कहते हैं चलो काली माता की मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो तो लड़का पैदा हो जाएगा। चला जाता है काली माता की मूर्ति के सामने, बकरा भी चढ़ा देता है, दूसरे लड़के का सिर भी काट करके चढ़ा देता है। अब ये देवी और देवता ये अनि देते ही लेते नहीं हैं, इनका नाम देवता क्यों पड़ा, देने वाला। अगर ये लेते तो देवता नाम न पड़ता, देवता देते ही हैं, जान नहीं लेते हैं। लेकिन वो देवता किसको माना लोगों ने, देखो भगवान ने किसको बनाया, आदमी को बनाया, और भगवान को जिसने देखा नहीं, पत्थर काट करके मिट्टी इकट्ठा करके और मूर्ति बना दिया, मान्यता दे दिया ये भगवान है। मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, स्थापित करने वाला भी आदमी, मान्यता देने वाला भी आदमी। अगर वो यानी देवी जी काली माता तलवार दिखाने लग जाएं कि तुम बकरा यहाँ नहीं काटोगे, डर के मारे कोई जाएगा। मैं गया था दक्षिण भारत में तो देखा जगह जगह हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई, ओ गदा लिए हुए 100-100 फुट ऊंची मूर्ति, लेकिन कहाँ बनी है, गांव के बाहर शहर के बाहर, जितना कूड़ा करकट सब वहीं इकट्ठा हो रहा है, उन्हीं के सिर के ऊपर कौवा रोटी लेकर के बैठ करके खा रहे हैं। अब हनुमान जी अगर गदा दिखाने लग जाए बनाने वाले को कि तुम हमको ला करके यहाँ बाहर खड़ा कर दिए, हमको छत के ऊपर ला करके खड़ा कर दिए, छतों के ऊपर देखा कि मूर्तियाँ बनी हुई हैं, नीचे तो बढ़िया बंगला बना हुआ, ऊपर छत पर मूर्ति बनी हुई, अब अगर हनुमान जी दिखाने लग जाए कि तुम तो एयर कंडीशन बंगले में रहते हो, सारी सुख सुविधा अपने लिए इकट्ठा किए हो, और हमको तो इतना धूप लग रहा है, और इतना देखो बारिश हो रही, सब हमारे ऊपर इतनी ठंडी पड़ रही है, सब हमको लग रही है, तो वो डर के मारे कोई बनाएंगे। वो तो बस खाने के चक्कर में कि बकरा कटेगा और देवी के सामने चढ़ेगा तो हमको भी खाने को मिल जाएगा, देवी अगर खाने लग जाए तो कोई बकरा चढ़ावे ही नहीं। वो तो बस यही चाहते हैं, न ये कुछ देखें न सुने न कुछ चखें बस। तो अब आप ये समझो, मोटी बात आप ये समझो कि बलि तो कभी चढ़ाना ही नहीं चाहिए, यानी जीव हत्या तो कभी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन लड़के के लिए आदमी कर डालता है, यानी समझ लो बलि भी चढ़ा देता है, जीव हत्या भी कर डालता है। अब जिनके चार लड़के हैं उनका क्या हाल है ये भी पूछो। देखो जिनके चार लड़के हैं वो कहो बाबा दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके चार चार लड़के चार चार बहुएं खूब सेवा करते होंगे, खूब बढ़िया बढ़िया बहू बना के खिलाती होगी, लड़के खूब हाथ पैर दबाते होंगे, तेल मालिश करते होंगे। तो बुढ़ा कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जान के लाले पड़े हुए हैं, अधर में लटका हूँ, न जी पा रहा हूँ न मर पा रहा हूँ, अब उसके पास बैठ जाओ और धीरे धीरे पूछो तो धीरे धीरे सब बात बतलाता है। काका आपने तो बड़ा मेहनत किया, मार्किन पहना, लड़कों को अच्छा पहनाया, गाय बैल भी बेच दिया पढ़ाने लिखाने के लिए, लड़के पढ़ लिख करके आए, पढ़ी लिखी बहू लाए, और कमाई चारों तरफ से मैं देख रहा हूँ हो रही है, तो आप क्यों दुखी हो, बहू तो बढ़िया किताब में पढ़ी होगी,
और पढ़ करके वो सब सामान बना के खिलाती होगी, अच्छा नाश्ता कराती होगी, आपको बढ़िया बढ़िया साग सब्जी सब खिलाती होगी, क्यों ऐसा कहते हो? तब कहता है बुढ़ा कि बहू तो बनाती जाती है और खाती जाती है, उसी हाथ से खाती है उसी हाथ से बनाती है, तो काका ऐसा क्यों करती है? अरे भाई, उसकी माँ ने तो रोटी बनाना सिखाया ही नहीं, नाश्ता खाना तो बनाना कुछ सिखाया ही नहीं, बर्तन धोना कपड़ा धोना तो सिखाया ही नहीं, वह पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही, और वो भी पढ़ती रही। तो एक दिन मैंने पूछा कि तू रोटी बनाना नहीं सीख पाई, तू वहाँ कैसे बनाती होगी? बोली होटल में खाते थे, अब होटल बंद हो जाए तो ये भूखों मर जाए, बताओ इनको तो सिखाना चाहिए। अरे तो काका खूब सेवा करते होंगे लड़के? तो कहा लड़के क्या सेवा करते हैं, उनकी नज़र तो हमारी धन संपत्ति पर ही है, वो तो बस यही सोच रहे हैं कि बुड्ढा का वो आँख बंद करे और इनका धन सब हमारे पास आ जाए, सारे बच्चे यही सोच रहे हैं, हम तो डर के मारे पैर दबवाते ही नहीं, कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे, गला न दबा दे मर जाऊं, मौत से पहले ही चला जाऊं दुनिया से, प्रेत योनि में चला जाऊं, बुड्ढा ऐसा बोलता है। तो अब आप ये समझो कि ये दुखों का संसार बन गया, दुखों का कारण बन गया ये, तो अब आप ये समझो कि दुख से यानी निजात मिले तो कैसे मिले, यानी किस तरह से इस दुख के संसार में, जिस तरह से यानी समझ लो को कांटों के बीच में गुलाब खिला रहता है, जैसे कमल खिल जाता है कीचड़ में, इस तरह से रह करके कैसे अपना समय पूरा कर लें और अपना लोक और परलोक बना लें। तो लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं, ये आने समझ लो कि निरोगी हैं, सबसे सुख निरोगी काया, सुखी वो है जिसकी काया निरोगी है। लेकिन अब इस समय पर कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिसमें बीमारी ना हो, और आप अगर चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, 10-20-25 लोगों को बता दूंगा कि इनके घर में तो कोई ना कोई बीमार ही रहता है, सब घर में लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ लगा रहता है, यह भी बता दूंगा कि इनके घर में तो लड़ते ही रहते हैं। कहोगे हम नहीं लड़ते हैं, मियाँ बीबी तो हम लड़ते रहते थे पहले, लेकिन हम सत्संग सुनने का तरीका सीख गए कि एक को गुस्सा आवे और दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा टल जाएगा। अब झगड़ा उनका तो टल गया, लेकिन वो लड़के कहाँ सीख पाते इस चीज़ को, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं, लड़के ही तो झगड़ा होते ही रहता है, कुछ कुछ लगा ही रहता है घरों में। तो अब उसका क्या कारण है? कारण ये है कि सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले, उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर लोग चले नहीं, इसलिए ऐसा हो गया। तो अब आप ये समझो कि लोग कहते हैं इनका बना हुआ है, इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इनके घर में यानी जो पत्नी है वो पति बढ़ता है और पुत्र है आज्ञाकारी है, शरीर इनका निरोगी है, मेहनत ईमानदारी की कमाई करते हैं तो बरकत होती है, तो अब इनका लोक बना हुआ है, कहते हो ना। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, मृत्यु मतलब होता है बाहर, इस लोक में जो जन्म लेता है उसको ये लोक छोड़ना पड़ता है, छोड़ने मतलब बाहर जाना पड़ता है। अब आप ये समझो कि यहाँ पेड़ जो फलते हैं वो झड़ते हैं, जो आग जलती है वो बुझती है, इस मृत्युलोक में जो पैदा होता है वो मरता है, तो इसका नाम है मृत्युलोक। इसके ऊपर भी लोक है, स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, आप समझो कि सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो लोक और परलोक दोनों बने। अब आप कहोगे भाई जब मरेंगे तब तो जाएंगे इसको छोड़ के, हर लोग तभी तो देखेंगे, स्वर्ग तभी तो देखेंगे, वैकुंठ तभी तो देखेंगे। अरे जिंदा रहते हुए जिसने नहीं देखा
मरने के बाद वो क्या देख पाएगा। मरने के बाद तो सजा का विधान हो जाता है, मरने के बाद तो नरकों में काटा सड़ाया गलाया तपाया जाना हो जाता है। कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा के शरीर में जाकर के कर्मों की सजा भोगनी होती है। मरने के बाद कोई भी अन्य समझों की न तो देवी देवताओं का दर्शन कर सकता है, न स्वर्ग वैकुंठ का आनंद ले सकता है, न पितृपितामह लोकों में जा सकता है, और न ही अनहद बेड मारी जो चौबीसों घंटे हो रही, मस्ताना बाजा जो चौबीसों घंटे बज रहा, उसको कोई सुन सकता है। अगर सुन सकता है तो जिंदा रह करके इसी मनुष्य शरीर में अगर कोई मालिक का दर्शन अनि कर सकता है तो अनि जिंदा रह करके इसी मनुष्य शरीर में रास्ता जब मिल जाएगा। अब आप ये समझो कि अगर लोगों ने दर्शन न किया होता तो कैसे लिखते कबीर साहब कि जो तिलमाही तेल है और जो चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। जैसे चकमक में आग होती है बाहर से नहीं दिखाई पड़ती, छिपी रहती है, और तिल में तेल होता है, बहुत ज़्यादा तेल होता है तेल में और अलसी में बहुत ज़्यादा तेल होता है, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई पड़ता। जब पेड़ते हैं तब दिखाई पड़ता है, दूध में घी होता है लेकिन ऐसे नहीं दिखाई पड़ता, जब जमा दो उसको जम जाएगा और फिर मत हो तब घी निकलेगा। ऐसे ही अनेक मनुष्य शरीर के अंदर ही मालिक का दर्शन होता है, इसी में सात समुंदर, इसी में कहा उन्होंने यही घट भीतर सात समुंदर, यही मन मन नहाओ मन मोरा भी जसुआ न जाओ, घरें ये चा करी संध्या तर्पण न करूँ और गंगा कबो न नहाओ और हरि हीरा अंतर्व सैवाही नीचे चौं। कभी साहब ने कहा ना मुसलमानों में भी जो फकीर हुए उन्होंने भी इसी चीज़ को कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी जिंदों से पूछो दिल के आशियाने में है, दिल के आशियाने में वो इसी में दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर उसने कहा कि जब इसी में है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? एक दिल लाखों तमन्ना, दिल तो एक है लेकिन ख्वाहिशें बहुत हैं, इच्छाएँ अनंत हैं, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे फिर इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए, तो दिखेगा कब, दर्शन उसका कब होगा? तब उसने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर राना के आने के लिए और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। हुजरा यानी दिल का हुजरा साफ करो, जहाँ पर उसका दर्शन होता है, जहाँ पर वो बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, उस स्थान को साफ सुथरा रखो। अब इसको मानव मंदिर बताया गया, इसको आने समझ लो कि जिस्मानी मस्जिद बताया गया, इसको गुरुद्वारा मनुष्य शरीर को बताया गया, तो जब ये गंदा रहेगा और वहाँ से गंदी जगह से जब पूजा उपासना करोगे उसको याद करोगे तब वो दिखाई पड़ेगा मिलेगा। देखो मिट्टी और पत्थर का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आप बनाते हो, अब उसमें ले जाओ कोई गंदी चीज़ डाल दो तो वहाँ कोई पूजा मंदिर में गंदी जगह पर पूजा कोई करेगा? टट्टी पेशाब या मांस के लोथड़े ले जाओ डाल दो मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारा में तो न तो कोई नमाज पढ़ेगा, न कोई पूजा करेगा उस जगह पर, हाँ न कोई ग्रंथ का पाठ करेगा, कहेंगे ये जगह गंदी है। ऐसे ही देखो तमाम पूजा हो रहा, तमाम पाठ हो रहा, तमाम यज्ञ लोग कर रहे, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन मालिक खुश नहीं हो रहा, मालिक का दर्शन नहीं हो रहा। ये देवता पांच देवता जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश ये और नाराज होते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, और अब पानी चाहो तो ओला पत्थर गिरा देता है। ये नाराज क्यों हो गए? ये खुश नहीं हो रहे क्योंकि इनको खुश करने का तरीका मालूम नहीं हो पाया कि कैसे इनको खुश किया जाता है। अब गंदी जगह पर जब पूजा उपासना करोगे कैसे खुश होगा? आगे ना ख्वाहिशों की इबादत नहीं करनी चाहिए, रूहानी इबादत करनी चाहिए, जिस्मानी इबादत से वो खुश नहीं हो सकता है। अब वो रूहानी इबादत की जानकारी कैसे होती? जब मुर्शिदे कामिल मिलते हैं, सच्चे गुरु मिलते हैं, वो बताते हैं, तब जानकारी हो जाती है। तो अब आप ये मोटी बात समझो कि यह जगह जो इबादत की मिली
भजन के लिए जो जो मंदिर दिया गया उस मालिक ने दिया देव दुर्लभ शरीर, इसको गंदा नहीं करना चाहिए। और गंदा करोगे तो कभी भी वैकुंठ इस मनुष्य शरीर के रहते रहते आने देख ही नहीं पाओगे, दर्शन वहाँ कर ही नहीं पाओगे, जा ही नहीं पाओगे, आने समझ लो कि आने परलोक आपका बन ही नहीं पाएगा। इसको सही रखोगे जब जब आने शाकाहारी भोजन करोगे तभी बुद्धि सही रहेगी, तभी लोक भी बनेगा और तभी परलोक भी बनेगा। देखो कोई गरीब सी चीज खा लेते हो, जल्दी ना हजम होने वाली चीज, तो कहते हो कि गैस बन गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर के पास जाते हो, पट्टा बांधता है और नापता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब जो खाया उसी से बना खून और वो दिमाग के ऊपर असर उसका गया तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो रोटी का टुकड़ा है और आप पानी में डाल दो, थोड़ी देर के बाद उसमें घुलने लगेगा, और मांस का टुकड़ा डाल घुलेगा नहीं, घुलता जल्द। तो जब से मांसाहार बढ़ा तब से लोगों का खून बेमेल हो गया और बीमारियां बढ़ गई। बाप बीमार हो गया, डॉक्टर कहता खून चढ़ेगा, लड़का कहता मेरा खून डॉक्टर साहब चढ़ा दीजिए। जब खून निकाल करके टेस्ट करता है कहता नहीं तुम्हारा नहीं चढ़ सकता, भाई का खून भाई को नहीं चढ़ता, बाप का खून बेटे को नहीं, बेटे खून बाप को नहीं। तो एक ही रजवीर से जब दोनों बने, दोनों भाई, तो खून डिफर कैसे कर रहा है, खून मिल कैसे क्यों नहीं रहा है? उसका यही कारण बना कि खान पान खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। अब चूंकि ये असर बुद्धि के ऊपर लाता है ये चीजें, इसलिए बुद्धि खराब हो जाती है। रावण देखो कितना विद्वान था, बलवान था, धनवान था, सोने की लंका थी, परिवार 1,00,000 से 1,25,000 नाती थे, और इतना जानकार था 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का, इतना जानकार था कि कहता था जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन जब उसकी बुद्धि खराब होती थी तब ज्ञान उसका खत्म हो जाता था। बुद्धि कब खराब होती थी? जब मांस खाता था, शराब पीता था, तो दूसरे की औरत को गलत नजर देखने लग जाता था, बस उसी समय उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। और यही तीन कारण उसका सर्वनाश का कारण बनी। राम 12 कला लेकर के अवतार तो लिए थे, उसको यानी खत्म करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वो आए तो थे, लेकिन उनको भी 2 कला परशुराम जी से लेकर के और फिर रावण को मारना पड़ा। मार नहीं सकते थे अगर वो कला उनसे न लेते, इतना जानकार था। लेकिन यही तीन चीज ने सर्वनाश कर दिया रावण का। अब जब बुद्धि लगा करके आदमी काम करता है तो उसमें कामयाब हो जाता, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करता है, जब परिश्रम करता है, बुद्धि लगाता है, तो उसमें बरकत हो जाती है, लक्ष्मी कमाई जाती है, लक्ष्मी आकर बैठ जाती है, और जब देखती है हमको अच्छे काम में लगा रहा है बढ़ जाती है। लक्ष्मी को रुपया पैसा को दांव में लगा देता है कौन? जुआरी। और जीत करके एक दिन चलाता है, दूसरे दिन घर का भी हार जाता है। जुआरी से पूछो कि तूने कितना जीता, कहेगा 1,00,000 रुपया, और है तेरे पास कितना, कहेगा कुछ नहीं। चोर से कहो चोरी किया, हाँ बहुत चोरी किया, हमारा काम क्या है चोरी करना, कितना चोरी किया होगा, 1,00,000 रुपया किया होगा, और है तेरे पास कितना, कहता है कुछ नहीं, थन थन गोपाल घूम रहा हूँ। तो जो मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करके लाता है, ईमानदारी बरतता है, लक्ष्मी खुश रहती, बरकत होता है उसमें। तो मेहनत और ईमानदारी के कमाई करो तो मतलब यह है कि बरकत हो जाए। अब आपको और एक दो बात बता दूँ कि लड़ाई झगड़ा से कैसे निजात मिले, वो भी बता दूँ आपको। देखो एक को गुस्सा आवे और दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा होगा? नहीं होगा। कोई कितना भी नाराज क्यों ना हो, अकड़ के चलने वाला हो,
देखते ही शूट करने वाला हो, गोली मारने वाला नाराजगी पर, बस उसका पैर पकड़ लो, इसे सिर रख दो पैर पे, तो झुक करके उठाता है, झुक के उठाएगा फिर नहीं मारेगा, छोटे बन जाओ सब प्यार करने। अब देखो बुजुर्ग जो होते हैं बड़ा अनुभव होता है, ये नौजवान लड़के ना ये जो फटा पैंट पहनते हैं ना, ये उनसे बात ही नहीं करना चाहते ये लड़के, उनके पास अगर बैठना शुरू कर दें तो बुजुर्ग बहुत अनुभव वाली बात बताते हैं। एक बुजुर्ग ने मेरे से ही कहा का पद पैसा पर नारी से दूर रहना। एक और सत्संगी बैठे थे बुजुर्ग के पास, तो लोग ये सोचते हैं कि अभी तो खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, और बुढ़ापा आएगी तब भजन कर लेंगे, और ये भजन भाव भक्ति की उम्र तो है नहीं, ये तो गृहस्थी में मस्ती आनंद का समय है, जवान लोग ये सोचते हैं। और नहीं तो ये भी सोचते हैं जब सत्संग की मार पड़ती है, चोट पड़ती है, तो मन कहता है भाई बात तो सब सही ये बता रहे, सबको छोड़ के जाना है, कुछ साथ नहीं जाएगा, और कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए, बात तो सब सही है, लेकिन बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी गृहस्थी कच्ची है, ये गृहस्थी मेरी सेट हो जाए तो फिर मैं भजन भाव भक्ति में लग जाऊँगा। तो गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? किसी की नहीं सेट हुई। और इस कदर गृहस्थी में फंस जाता है कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और खा करके उड़ करके चली जाती, दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती, पेट भर के शहद खाती है लेकिन उड़ नहीं पाती, पंख फंस जाते हैं उसी में ख़त्म हो जाती। तो लोग सोचते तो हैं लेकिन ये तरीका लोगों को नहीं मालूम हो पाता है कि गृहस्थी में फंसा ना जाए, कैसे निकला जाए गृहस्थी से, रहा जाए गृहस्थी में ही लेकिन उसमें फंसा ना जाए। आप सत्संग अगर बराबर मिलता रहे, ये तरीका लोगों को मालूम हो जाए, तो आराम से जीवन गृहस्थ आश्रम बीत जाता है, और नहीं तो तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा समझ लो चालू हो जाता है, मुकदमेबाजी चालू हो जाती है। अब मुकदमेबाजी अगर चालू हो गई तो कितने दिन मुकदमा चलेगा कोई ठिकाना नहीं, झूठियाँ घिस जाती हैं, आप समझो कि दौड़ते दौड़ते झूठियाँ घिस जाती हैं। एक वकील साहब का लड़का था, तो पढ़ करके आया वकालत, तो उसने कहा कि पिताजी आपको अब हम वकालत करने जाने नहीं देंगे, पढ़ करके आए हैं, अब हम आपका सारा केस देखेंगे। उन्होंने कहा अभी कुछ सीख ले तब तू देखना, बोला कुछ सीखने जरूरत नहीं है, सब पढ़ के आ गए। अब उनका बस्ता उठा लिया फाइल, वो देखते रहते, कहते ना कि आजकल के जब लड़के जवान हो जाए तो उनको चाचा कहना चाहिए, उसी तरह व्यवहार करना चाहिए, अभी कड़क बोलने तो रोटी बंद हो जाए बेचारों, क्या करें, अब जमाना यही है। तो देखते ही रह गए, फाइल लेकर चला गया, कहा चलो देखो क्या करके आता है देखते हैं। शाम को जब लौट करके आया तब कहा पिताजी 25 साल से आप मुकदमा लड़ रहे थे और ख़त्म नहीं कर पाए, और मैंने आज ही उसको ख़त्म करा दिया। वकील साहब ने कहा है कौन सा मुकदमा तुमने ख़त्म करा दिया? कहा वो सेठ जी वाला है। अरे गजब कर दिया तुमने, उसी एक मुकदमे की फीस ने तो तुमको पढ़ा लिखा करके वकील बना दिया, बराबर सेठ जी समय पर फीस देते रहे, मैं तुमको पढ़ाता रहा, उसको मैं खींचता ही रहा, और उसी को तुमने ख़त्म करा दिया, आमदनी का जरिया ही बंद कर दिया, तो कितना दिन चलेगा कोई ठिकाना। अब वकील साहब लोगों की आने समय जो मजबूरी है वो भी क्या करें, उनकी गलती थोड़ो है, व्यवस्था ऐसी बिगड़ गई, व्यवस्था ऐसी हो गई कि इनको आने समय जो फीस देना पड़ता है, 5 साल तक 3 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उससे जब कमाई नहीं करेंगे तो बच्चे को फीस आने देखो अच्छी खासी स्कूलों में देनी पड़ती है, तो कमाई नहीं करेंगे तो कैसे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे, कैसे ऑपरेशन में 3-3, 4-4 लाख रुपया देना पड़ेगा, जब बीमारी हो जाएगी तो कहाँ से दे पाएंगे, तो व्यवस्था ऐसी गड़बड़ हो गई। आप देखो अगर सुन लो, दो बात बर्दाश्त कर लो, लड़ाई झगड़ा से बच जाओ,
तलाक दहेज के मुकदमे से अगर बच जाओ तो आपको कोर्ट कचहरी में वकील साहब के पास जाना क्यों पड़ेगा। देखो भारत का संविधान जब बना था तो बनाने वाले ने तो बहुत बढ़िया तरीके से बनाया, बढ़िया ढंग से बनाया था, बहुत मेहनत किया था, लेकिन तब की परिस्थिति और थी, अब आज की परिस्थिति और हो गई। अब आज उसके अनुसार नियम कानून के अनुसार आने समय न तो किसी को न्याय मिल पा रहा है और न किसी को सुरक्षा मिल पा रही। न्याय देने वाले डरते हैं कि कहीं हम ही ना कानून के शिकंजे में आ जाएं, सुरक्षा करने वाले डरते हैं कहीं हम ही ना नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसी गड़बड़ व्यवस्था हो गई। संविधान में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो अभी सबको न्याय मिलने लग जाए, सबको सुरक्षा मिलने लग जाए, सबके रोटी रोजी की व्यवस्था हो जाए। ये रोजाना इतना पैसा यानी खर्चा करता है आदमी ऑपरेशन में, वो ऑपरेशन पैसा देना पड़ेगा। अब आपको तरीका बता दूँ, कम खाओ और गम खाओ। बुद्धे ने बताया, जब उससे पूछा तो बुद्धे ने कहा समझ लो, पर पैसा प्रणाली से दूर रहना और कम खाओ और गम खाओ। अब कम खाओगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ज़्यादा खा लिया, दर्द हो गया पेट में, तो पहुंचते ही फार्म पकड़ाएगा, कहेगा फार्म भरो, पैसा जमा करो, ऑपरेशन होगा, क्योंकि उसी में पैसा मिलता है, ऑपरेशन में ही तो पैसा मिलता है। और एक बार ऑपरेशन हो गया तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा फिर नहीं होगा। दोबारा जब जाओगे तो फिर ऑपरेशन करेगा, तिबारा फिर ऑपरेशन करेगा। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, जब चौथी बार गया तो कहा पहली बार तो गाय बेच के कराया, फिर उसके बाद जेवर बेच के और उसका कराया, जमीन बेच के कराया। अब डॉक्टर साहब ऐसा करो कि ऑपरेशन करने के बाद फिर टांके पक जाते हैं, पट्टी कराना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब अब की बार टांका लगाना ही मत, सिलाई मत करना, अब की बार तो चैन लगा देना, चैन। ऑपरेशन करने के बाद चैन लगा दोगे, दोबारा आएंगे आराम से खोल के ऑपरेशन कर दोगे, तो पैसा तो उनको इसी में मिलता है, ऑपरेशन में। अब उसका क्या कारण है, 50-50 लाख रुपया दे करके ये एडमिशन कराते हैं, 5 साल तक पढ़ाई करते हैं और लौट के आते हैं तो 10-15 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के नर्सिंग होम अस्पताल बनवाते हैं। आप 500 रुपये की फीस से वो कर्जे का ब्याज भी नहीं भर पाएंगे, स्टाफ का तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, तो वो तो बस तुरंत ऑपरेशन बताते हैं। अब ऑपरेशन का आपको कराना क्यों पड़े, कम खाओ, दाल कम खाओ तो अन्य समझो रोग होगा ही नहीं, नियम संयम से रहोगे तो रोग होगा ही नहीं। आप देखो किसी मामले में अन्य समझो कि जानवर, अन्य समझो कि जानवर जो होते हैं वो नियम संयम के मामले में पक्के होते हैं। एक कुत्ता है, कुत्ता खा पी करके आया है, आदमी की बात पहले बताऊंगा आपको, आदमी खा पी करके आया है और उसके सामने रसगुल्ला ला करके रख दो बढ़िया प्लेट में, अब कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं अभी तो खाना खा के आया, अरे ले लीजिए, खाने के बाद तो मिठाई खाई जाती है। ऐसे बैठा रहेगा, बातचीत करता रहेगा, देखता रहेगा, उसके बाद धीरे से एक उठाएगा, धीरे धीरे खाएगा, फिर दूसरा भी उठा लेगा और देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा कि कह दिया था कि भूख नहीं है, कैसे अब उठाऊँ तीसरा। देखो ना अलग मुँह करके बात करते रहो तो पूरी प्लेट साफ कर जाता है, लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है और उसके सामने खाने पीने वाली चीज़ डाल दो तो खाता नहीं, सूंघ करके और उठा करके ले जाता है, कहीं छुपा करके रख देता है, जब भूख लगती है तब खाता है। अब आप सोचो वो संयमित जीवन बिताता है कि आप संयमित बिता रहे हो। 12 महीने में एक बार पगलाता है, जब कुवार का महीना आता है और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो बुढ़ा बैठा हुआ था और लड़के ने सत्संगी ने यानी पूछना शुरू किया, छेड़ा, ऐसे तो हाथ पैर ढीले हो जाते हैं बुढ़ापे में, कहीं कुछ नहीं हो पाता, कहते तो हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में ये कर लेंगे, अभी तो ये उम्र है, लेकिन बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता,
हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते हैं। और अगर बुढ़ा मिठाई खाने लग गया ज़्यादा तो अपना ही घर भूल जाता है। अब आप समझ लो फिर समय आम चल रहा है और बुढ़ा आम खाने लग गया ज़्यादा तो शुगर फौरन बढ़ता है तो बीमारी बढ़ जाती है, भूलने की आदत बन जाती है। अब आप ये समझो कि कुछ करने कहने की इच्छा नहीं होती, चुपचाप बैठा रहता सोचते, लेकिन जब छेड़ दो तब एकदम से तेज बोलने लगता है बुढ़ा। छेड़ दिया जब छेड़ा तो काम किसी से नहीं डरते हैं, तो कैसे नहीं डरते हो? वो भैया साहब, बाबू साहब, सरपंच साहब, उनके पास बंदूक है, वो तुमको शूट कर देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे, नाराज हो जाएंगे। तो बुढ़े ने क्या कहा? अरे उनके पास दो नली की है और मेरे पास 10 नली की बंदूक है। 10 नली की बंदूक का कैसी होती है? ना देखा ना सुना आज तक। अरे होती है, रखता हूँ हमेशा पास रखता हूँ, होती है, मौके पर निकालता हूँ, प्रयोग करता हूँ। काका तुम तो खाली धोती पहने बैठे हुए हो, तुम्हारे बटन में बनियाएं भी नहीं तो रखे कहाँ? अरे है मेरे पास। अरे तो काका बता दो। जब पैर 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 दबाने लगा तब कहा अच्छा देख, 1 नली 2 नली 3 नली 4 नली 5 नली 5 नली तो ये और 5 नली ये 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे जिसको भी दिखा देता हूँ उसी का से नीचा हो जाता है, वही से झुका देता है। तो कहा लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक दूर। देखो हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन बालू में आप चावल मिला दो तो हाथी निकाल पाता है, लेकिन चीटी छोटी होती है। चीटी फौरन चावल को निकाल लेती है। ये जितनी बड़ी बड़ी घास हैं, यानी जो आप देख रहे थे ठंडी के महीने में या बरसात में, वो सारी घास सब जल गई, लेकिन डूब घास जिस पर आप बैठे हुए हो ये कभी जलती है, हमेशा हरी रहती है। चाहे बैसाख जेठ का महीना हो, चाहे सावन भादों का हो, और चाहे आपका माघ पुष का हो, हर महीने में ये ऐसी कैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये छोटी है। नानक साहब ने कहा कि नानक नन्हे हुए रहो जैसे घास में धूप, और घास जल जाएंगी और धूप खूब की खूब। तो छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लग गए। तो अब आप ये समझो ये लोक बनाने का तरीका है। अब परलोक बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। परलोक बनाने का तरीका बताऊंगा आपको, दिव्य दृष्टि खुलने का तरीका आपको बताऊंगा। अब दिव्य दृष्टि क्या है? इन्हें दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है, सबके पास होती है। कर्मों का पर्दा जब लग जाता है वो आँख बंद हो जाती है, तो उससे ऊपर का नज़ारा नहीं दिखाई पड़ता है। इन बाहरी आँखों से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और अंदर जीवात्मा में जो तीसरी आँख है उससे ऊपर लोक का नज़ारा दिखाई पड़ता है। इसी दिव्य दृष्टि को आने समझ लो अर्जुन की कृष्ण ने खोला था। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कहा उठाओ गांडीव चलो मैदान में। तो मैदान में गए, मैदान में जाने से नहीं, जब कहा कि उठाओ गांडीव और चलो मैदान में, तो अर्जुन ने क्या कहा? यहाँ सब मेरे काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके मैं नरक नहीं जाऊँगा। तो कृष्ण ने कहा इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अभी तुम हमको नहीं पहचान पाए, मैं तुमको पहचान कराऊंगा। तो बात तो सही है, महापुरुष इस धरती पर आते हैं लेकिन जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो जमीन फाड़ कर निकलते नहीं, आसमान तोड़ करके पैदा होते नहीं हैं, वो भी माँ के पेट से पैदा होते, और जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश ये जो 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है उनकी भी होती है। इसी तरह से जैसे आम आदमी अन्न खाता है ऐसे वो भी खाते हैं, पानी भी यही पीते हैं, इसी समाज में रहते बोली वाणी भी इसी तरह की रहती है। तो जब तक वो किसी को अपना पहचान कराते नहीं है तब तक जल्दी नहीं पहचान पाते, क्योंकि आम आदमी के पास महापुरुषों को पहचानने की युक्ति होती नहीं, जानकारी होती नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम अभी हमको नहीं पहचान पाए, बैठो अभी पहचान कराता हूँ। बैठाया अर्जुन को कृष्ण ने और कहा आँख बंद करो, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाया
और ठोका नहीं पाए। जब कर्मों का पर्दा हटा और दिव्य दृष्टि खुली तब उन्होंने कहा, अरे ये तो सारे के सारे योद्धा मरे पड़े हुए, हमको तो खाली निमित्त बनना है। तो उठाया बांधू और चले गए मैदान, एक तरफ से पानी छोड़ते चले गए और योद्धा लोग वीर लोग सब फिर धराशायी हो गए। जब महाभारत खत्म हो गया तो भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा, तो कृष्ण ने कहा भाई मारा किसने, वो जो पूरा महाभारत देखा है वो बताएगा। तो पूरा किसने देखा था, बब्रीक ने। महाभारत शुरू होने का जब हुआ तो कृष्ण घूम करके जायजा ले रहे थे कि कौन कौन वीर आए हैं और किन के पास क्या हथियार है। घूमते हुए जा रहे थे तो देखा पीपल के पेड़ के नीचे बब्रीक खड़ा हुआ है। बोले तू यहाँ क्यों खड़ा है, लड़ाई लड़ने के लिए, तो तेरे हथियार कहाँ है। तो उसने तीन तीर उसके पास था निकाल के दिखाया, कहा ये मेरे हथियार हैं। तो कहा तीन तीर से ही तू महाभारत लड़ाई लड़ेगा। बोला हाँ, एक एक तीर मेरे कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे, कुछ अभी भी दिखा सकता है। बोला दिखा दूंगा। कहा देखो ये तीर मैं अभी छोड़ने जा रहा हूँ और पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं सब कोई नत्थी करेगा और नत्थी करके जमीन पर आएगा और जमीन पर पड़े हुए पत्तों को नत्थी करके और फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। तो कृष्ण ने एक पत्ते को तो अपने पैर से नीचे दबा दिया और दूसरे को मुट्ठी में ले लिया। सोचे देखें यहाँ कैसे आता है मेरे पास तीर। अब उसने जब तीर छोड़ा तो पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते थे सब को नत्थी किया और नत्थी करके फिर तीर जमीन पर आया, सूखे गीले पत्तों को भी नत्थी किया और नत्थी करके कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा। तो अब उसने कहा पैर हटाओ नहीं तो पैर नत्थी हो जाएगा, चिल्लाया जोर से। अब जब ये पैर हटाए तो पैर के नीचे जो पत्ता था उसको नत्थी किया। फिर उसके बाद तीर इनके हाथ की तरफ बढ़ा, मुट्ठी में जो अन्य पत्ता लिए हुए थे उधर बढ़ा मुट्ठी की तरफ। तब फिर वो चिल्लाया मुट्ठी खोलो नहीं हाथ चला जाएगा। तो मुट्ठी जल्दी से खोला और उस पत्ते को भी नत्थी करके वापस उसके पास आ गया। तब कृष्ण ने कहा है तो बहादुर और हथियार भी चोखे हैं इसके। तब पूछा कहा अच्छा ये बता कि तू लड़ेगा किसके तरफ से। तब उसने कहा जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण ने कहा बड़ा मुश्किल हुआ, हारेंगे तो कौरव और हम लड़ेंगे पांडव की तरफ से, तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, फिर लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। तो कृष्ण थोड़ी देर सोचे फिर उससे पूछा कहा अच्छा ये बता तेरे अंदर और कोई विशेषता कोई खसूसियत है, अरे तू अपने बारे में कुछ और बता। बोला मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान करता है। अरे मेरे पास कोई चीज़ रहती है तो दान में दे देता हूँ कोई मांगता है तो। कहा मुझे भी देगा, दे दूँगा। अरे मुझे भी देगा, दे दूँगा। अरे मुझे भी दान देगा, हाँ हाँ बाबा मांगो तो आपको भी दान दे दूँगा। अब तीन बार कहलवा लिया। तीन बार पहले के समय में कोई किसी से कुछ कह देता था तो समझ लो कि वो ब्रह्मलीक हो जाती थी, फिर बदलता नहीं था वो। ये नहीं कि आज की तरह से 10-10 मिनट पर जवान लोग बदल देते हैं, नहीं बदलते थे। वो नोट लिख देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं, वो कहते हैं हमारा दस्तखत ही नहीं, ये सब उस समय नहीं था। बहुत सरल प्रक्रिया थी, ऐसे हाथ में पानी लिया और दूसरे को दे दिया, कहा यह मकान आपका हो गया, ये जमीन आपकी हो गई, ये कन्या आपकी हो गई, मेरी लड़की अभी आपकी सेवा करेगी, ये आपकी हो गई। बड़ी सरल प्रक्रिया थी, ऐसे तार उतारा और लगा दिया अनिश्चित पर और कहा कि समझ लो कि अब आज का राजा तू बन गया। देखो अनि पुनरिक अनि कुशगार करके हो कांचर्य शादी कर लिए थे, शादी किए थे, अनि परिस्थिति ऐसी थी। यह तो कथा लंबी हो जाएगी, कहाँ तक आज अनेक लोग दो दो तीन घंटे में आपको सब बताऊं। अभी जब आप समय निकालोगे कभी हमारे आश्रम पर आओगे, तो जैन में हमारा आश्रम है तो वहाँ लगातार सत्संग होता है, किसी कार्यक्रम में आओगे तो कई समय पर सत्संग मिलेगा, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। नहीं तो अभी अब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा है 26 और 27 जुलाई को, ये महीना जून का है, यानी अगले
यानी समझ लो कि उसमें महीने में जुलाई में 26 और समझ लो कि 27 जुलाई को यानी कार्यक्रम होगा गुरु पूर्णिमा का, उसमें भी कई समय सत्संग चलेगा। तो समझो कि कुछ गाड़ करके उन्होंने शादी कर ली। उस समय ये डीजे भेजे कोई बजता था, ये नाच गाना शराब पी करके शादी में लोग करते थे, कुछ नहीं, बड़ी सरल व्यवस्था थी। तो जब पूछ लिया यानी जब कहलवा लिया 3 बार कहा हाँ दे दूंगा, तब कृष्ण ने बबरीक से कहा कि तो तू अपना सिर मुझे दान में दे दे। तो बोला सिर तो दान में दे दूंगा, लेकिन मेरा ये संकल्प है कि मैं महाभारत देख लूँ तब मेरे प्राण निकलें। तो वहाँ रखवा दिया सिर उसका, काट करके वहाँ पहाड़ के ऊपर पूरा महाभारत उसने देखा। तो कृष्ण ने पांडव से कहा चलो उससे पूछते हैं उसने क्या देखा, पूरा महाभारत उसने देखा, वो सही सही बात बताएगा कि किसने मारा, किसने गिराया, क्या किसने किया। लेकर के गए तो बबरीक से पूछा तूने महाभारत देखा, बोला हर पल हर क्षण देखा, आज की तरह से चुपके से लड़ाई नहीं होती थी, धोखा देकर के मारने की, मैदान में उतरते थे एक तरफ से यानी दोनों तरफ से उतर करके और वीरता की लड़ाई लड़ते थे, और सुबह शुरू होती थी सूरज निकलने पर लड़ाई और सूर्य अस्त पर ख़त्म हो जाती थी, अंधेरे में कोई काम नहीं होता था, सब रोशनी में होता था, उजाले में होता था, प्रकाश में होता था, धोखेबाजी नहीं होती थी। तो देखा कहा मैंने पूरा महाभारत देखा, तो क्या देखा, कहा मैंने तो यही देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है और बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काटता चला जा रहा है। कृष्ण ने कहा और तुमने क्या देखा, कहा हमने तो और कुछ देखा ही बस केवल यही देखा। तो कहा ये वीर ये लोग क्या कर रहे थे, उसने कहा ये सब मुंह फैलाए हिजड़े की तरह खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था इनका, ये जो कह रहे हैं हम वीर हैं। तब उसने कहा महाराज, बबरीक ने कहा महाराज मेरा समय अब पूरा हो गया, संकल्प पूरा हो गया, अब आप अपना वरदान वापस ले लो, अब मैं जाना चाहता हूँ, दुनिया छोड़ना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा तुम्हारा भी समय हो गया, तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, दुराचारियों का संहार हो गया, अब मैं भी जाऊँगा, द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा, मुझे भी जाना है। तो पांडव ने कहा महाराज मुझे भी लेते चलिए, बोले मैं तुमको नहीं ले जा पाऊँगा, तुमको किसी त्रिकाल ऋषि की जरूरत है, संत सदगुरु की जरूरत है, उनसे रास्ता लेकर के जब तुम योग साधना करोगे तब तुम मेरे धाम पहुंच सकते हो। आँख खोल करके अर्जुन को तो उन्होंने दिखा दिया, लेकिन जीवात्मा के कल्याण का पावर यानी उनको नहीं मिला हुआ था, रूह को निजात दिलाने का, इसको अपने घर अपने वतन पहुंचाने का पावर उनको नहीं मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने संतों की तरफ यानी इंगित किया, संगों के तरह संतों को बताया कहा उनसे खोजो, उनके उनको खोजो, उनके पास जाओ, उनसे रास्ता लो, भजन करो, तब तुम पार हो सकते हो। तो अब सदगुरु कौन होते हैं, संत कौन होते हैं, इनका दर्जा होता है अलग अलग। जैसे जिसको ये मालूम हो जाए कि ये दुनिया नासवान है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, बाहरी आँखों से देखने वाली चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी, हमारा यहाँ पर अपना कुछ नहीं है, ये सब हमको छोड़ करके जाना है, इतना ही ज्ञान हो जाए उसको मुनि कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो पहुँच जाते हैं उनको देवर्ष कहते हैं, उसके आगे योगी योगेश्वर सारसन परम संत, ये सब दर्जा है, स्थान है। छठी छठी जैसे जाते हो बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ, तो छठियाँ बनी हुई हैं, ऐसे ही ये छठी है। तो आगे समझो इसकी अलग अलग जानकारी होती है, जिसकी जहाँ तक की जानकारी होती है वहाँ तक का वो रास्ता बतलाता है। जैसे लोटा सिलना सिखा दिया, कपड़ा सिलना सिखा दिया, कपड़ा धोना सिखा दिया, कोई मशीन बनाना सिखा दिया, पंखा बिजली का काम सीख लिया, तो जो जिससे सीखता है उसको अपना गुरु मान लेता है, कहता है ये हमारे एक गुरु हैं, तो इनको भी गुरु कहते हैं। काखा गाघा जो आने समय जो सिखाते हैं पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ABCD जो लिखाते पढ़ाते हैं उनको भी गुरु बताया गया। गुरु अलग होते हैं और सदगुरु अलग होते हैं। सदगुरु का काम क्या होता है, लोक बनाना और परलोक बनाना। तो अब आप ये समझो कि आपको परलोक बनाने का रास्ता भी बताया जाएगा। हमारे गुरु महाराज थे
ये जिनकी तस्वीर है, ये नहीं। वो तो महापुरुष जब रहते हैं और जब चले जाते हैं तो उनकी यादगार में लोग मूर्तियां बनाते हैं कि इनको देख करके हम इनको याद करते रहें। जब यानी कैमरा चला तो फोटो खींचने लग गए और फोटो खींच करके घर में लगाने लग गए एक यादगार के लिए। अब कोई ये कहे कि मूर्ति की पूजा करके और फोटो की पूजा करके फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा करके हम मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो संभव है ही नहीं। तो गुरु महाराज हमारे से जिनकी यह तस्वीर है, गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया भी और मंजिल तक पहुंचाया भी, लोग भी बनाया। इसी में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बड़ी गरीबी हालत में थे, लेकिन गुरु महाराज के पास जब से आने जाने लगे तब से संपन्नता आ गई। बीमार भी आपको मिल जाएंगे इसी में से, क्योंकि बीमारी रहती थी उसमें भी लाभ मिला लोगों को। खाने पहनने की दिक्कत आनी समस्याएं थी उसमें भी सुधार हुआ, और भजन का रास्ता, भगवान के मिलने का रास्ता जब उन्होंने बताया, उस रास्ते पर चलने लग गए तो ऊपरी लोगों का आनंद भी लिया लोगों ने, और जब समय पूरा हुआ तो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच गए। गुरु महाराज के आने जाने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने मेरे लिए कह रखा कि ये नामदान देंगे, नए लोगों की संभाल करेंगे, नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो उनके जाने के बाद ये काम मैंने शुरू कर दिया। नामदान देने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, क्योंकि इसमें कर्मों का लेना देना होता है, सफाई इसमें करनी पड़ती है, तो ये बड़ा अन्य समझ लो कि मेहनत का काम होता है। कर्मों को कटवाना, कर्मों को लेना, कर्मों को अन्य जलाना, ये बड़ा कठिन काम होता है, अब आप ये समझो। लेकिन जब गुरु का आदेश हो गया तो इस काम में लग गया, तो नामदान देना शुरू कर दिया। जहाँ भी जाता हूँ वहीं नामदान देता हूँ। अभी समझो कि अप्रैल महीने में ही 7 देशों में गया, आपके सिंगापुर, मलेशिया और आपके दुबई, कतर और ओमान और आपके श्रीलंका और हांगकांग, 7 देशों में तो भी एक ही महीने में गया। आपके उधर अमेरिका और उन देशों में यानी पहले भी गया था। तो जहाँ भी जाता हूँ वही नामदान देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? क्योंकि वो लोग यहाँ पहुँच नहीं सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते। अभी अगर वो नहीं भी समझ पाए और कोई उनको समझाने वाला मिल जाए कि भाई इसको तुमको करना है, इसी से सब काम तुम्हारा बनेगा, तो वो करने लग जाएंगे। और नहीं बहुत कोई जानकारी करावे, लेकिन नामदान देने वाले बहुत दूर चले आए तो कहाँ से यानी उसको कर पाएंगे। और ज़िंदगी का कोई किसी के ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब आँख बंद हो जाए। और इस समय पर तो आदमी घर से निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा? तो नामदान तो दे ही देता हूँ, सबको दे देता हूँ नामदान, आपको भी दे दूँगा। नामदान देने में कोई कोताही नहीं होगी। अब आप कहोगे कि अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और फिर नामदान देंगे, उसके बाद तब ये मांगेंगे। अरे मंगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? सभी तो मांग ही रहे हैं। कहते हैं दूध और पोत से किसी का पेट नहीं भरता है। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो ममता से नहीं मांगा जाता है। कहा ना दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो कहा धरणी जहाँ लो देखिए, धरती पर जहाँ तक नजर दौड़ाओ कहाँ लो सबे भिखार, और दाता केवल सदगुरु देते माने हाथ। गुरु महाराज हमारे हमको देते हैं, कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, कैसे न मानू कि नहीं दे रहे। और अब कोई इच्छा भी नहीं और अब कोई जरूरत भी नहीं, न कोई घर बनाया, न घर बसाया, न कल कारखाना खोला, न बीवी बच्चों का कोई चक्कर पाला, तो कहाँ खर्च करूँगा, किस लिए जरूरत है हमको। इसलिए अब गुरु महाराज से भी कुछ नहीं मांगना है। और मोटी बात आपको बताऊँ कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है खाता है, जो पहनाता है पहनता है, और जैसे वो रखता है वैसा रहता है,
और जो काम कराता है वो करता है। तो जब गुरु का गुलाम हो गया तो अब क्या मांगना, उनसे भी नहीं मांगना है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, आप हमारे पास आए हो, आप हमारी बातों को सुन रहे हो, आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, तो आपसे हमको प्रेम हो रहा है। आप कुछ लोग तो कहोगे भाई हम तो हट्टे कट्टे पहलवान हैं, हम धनी मानी हैं, हम तो ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले हैं, सुंदर सुशील शरीर है हमारा, इसलिए हमको इनसे प्रेम हो रहा है। आप तो इन चीज़ों को देखते हो, आप तो शरीर की सुंदरता देखते हो, आप तो रुपया पैसा देखते हो, आप तो पद और पोस्ट देखते हो, लेकिन मैं तो आपकी आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा तो सबके अंदर एक ही है, परमात्मा के अंश जीवात्मा सबके अंदर एक है। ये तो व्यवस्था आपने बना दिया, आने समय जो खाने पहनने का जहाँ जैसा वातावरण रहा उस हिसाब से आपने बनाया। जहाँ चावल पैदा होता है ज़्यादा वहाँ चावल ही लोग खाते हैं, जहाँ गेहूँ ज़्यादा पैदा होता है गेहूँ खाते हैं, कहीं धोती पहनते हैं तो कहीं पैंट पहनते हैं, तो कहीं कोई सलवार समीज पहनता तो कहीं साड़ी पहनती हैं औरतें। तो ये तो व्यवस्था आपकी है, कोई नाम के आगे पटेल लगाता और कोई यादव लगाता, कोई मौर्य लगाता, कोई यानी तिवारी शुक्ला लगाता, कोई सिंह लगाता है, तो ये तो व्यवस्था आपकी है। उस तरफ से मालिक ने जो व्यवस्था बनाया वो तो सबके लिए एक जैसा बनाया। देखो धरती बनाई एक बनाई, आसमान बनाया एक बनाया, आप देखो हवा बनाई एक बनाई, आग बनाई सबके लिए बनाई, ये देखो हड्डी सबका एक जैसा है, मांस एक जैसा है, खून एक जैसा है, उसकी व्यवस्था जो है वो तो यानी अलग है। और ये आपने अपनी व्यवस्था बना लिया तो आप उस हिसाब से एक दूसरे को देखते हो, दूसरे को समझते हो, लेकिन मैं उस मालिक को मानता हूँ जानता हूँ, इसलिए आप मालिक के बंदे हो, मालिक के अंश हो, तो आपसे प्रेम हो रहा है। तो अब अपने लिए तो गुरु महाराज से नहीं मांगना है, लेकिन अगर आपने बातों को मान लिया, शाकाहारी सदाचारी हो गए और भजनानंदी बन गए, जो अभी आपको बताऊंगा इस काम को अगर करने लग गए, सुमिरन ध्यान भजन को आप करने लग गए, तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए मांग लूंगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगना, लेकिन आपको गए भाई हमको तो कुछ देना चाहिए, ये हमको अनमोल चीज दे रहे हैं, ऐसा नाम बताने जा रहे हैं जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमेंद्र उतर नहीं पारा, नाम लेते बहुत सिंधु सुखाही सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही बहुत सागर सुख है, ऐसा नाम बताने जा रहे हैं तो हमको तो कुछ देना चाहिए। भारत देश की यह परंपरा रही है, दीक्षा मंत्र नामदान लेने के बाद कुछ दक्षिणा में दिया जाता है, तो दे दो, मौका है आज आपके लिए। तो देना क्या है, आपको अपनी बुराइयां यहीं छोड़ जानी है, बुरे कर्म अब मत करना, यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा है। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस खाने वाली की बुद्धि खराब हो जाती है, जैसा मैंने बताया, खून बेमेल हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। अब एक चीज़ और बता दें कि जो जानवरों को मारता है, काटता है और उनके मांस को लाता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है, और पाप का बहुत बड़ा बोझा होता है, समुद्र में भी पाप नहीं समाता है। इसलिए बच्चियों अब घर में मांस नहीं पकना चाहिए, आना नहीं चाहिए, ये बात समझ लो, और पकाओगे खाओगे भी नहीं, पकाओ दोगे तो भी पाप लगेगा, लाना मारना काटना पकाना सब पाप है, घर में अब आना नहीं चाहिए। मछली क्या है, यह तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है, खकार के थोक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ टुकड़े गिरेंगे मछली खाएगी, कोई गाय बैल भैंस सुअर बकरा बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली खाएगी। मछली का काम है सफाई करना,
सोचो कितनी गंदी चीज है। अब जब मर जाती है पानी के ऊपर तैरती है तो गीड़ और कौवा खाते हैं, तो गीड़ और कौवे का भोजन अब नहीं, अंडा क्या है। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है, मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टे पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये जितने डॉक्टर साहब लोग हैं अंडा खाते और खिलाते हैं, ये जितने वैज्ञानिक हैं अंडा खाते खिलाते हैं, ये सब अज्ञानी हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया है, हेलीकॉप्टर बना लिया है, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? वो भी तो कोई विज्ञान था कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना, और बच्चों की आदत तो यही डाल दो कि घर से बाहर की कोई चीज़ खाए ही नहीं, क्योंकि दीन और ईमान लोगों ने बेच दिया पैसे के पीछे। रातों रात लखपति करोड़पति बनने के चक्कर में मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया, अब बच्चे जब उन चीज़ों को खाते हैं तो वो चीज़ें बच्चों के लीवर को ही खा जा रही, किडनी को ही खा रही, छोटे छोटे बच्चों को वकंडर वसीर हो रहा है, हार्निया हाइड्रोसील हो रही, तो उनको ये सिखा दो और आप ही देखभाल करके फिर बाहर की कोई चीज़ को खाओ पियो। तो अंडा मत खाना और शराब मत पीना। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता शरीयत इस्लाम से अलग हो जाता है। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो गंगा जल कृत बारुण जाना और तरफ न संत करें ते पाना, गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये 1000 बुराइयों की ये जड़ है। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता। शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा, ये अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नाम दान दूंगा, आपको वो नाम बताऊंगा कि जो मीरा को मिलने के बाद मीरा ने कहा कि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। ध्वन्यात्मक नाम आपको बताऊंगा। देखो नाम दो तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुँह से लिया जाता है, लेखन पढ़न जो कहन में आया उसको वर्णात्मक गाया, जैसे राम थे तो राम नाम उन्होंने जगाया था। जब जब महापुरुष आते हैं एक नाम को जगाते हैं, जब राम आए तो राम नाम को जगाया। आप देखो याद होगा जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए भी, रोबड़ी को उबारा राह को उबारा। कलयुग आया तो कलयुग में भी तरह तरह के नाम आए, राधा स्वामी कोई कुछ कोई कुछ, इस तरह का नाम लोगों ने यानी निकाला। गुरु महाराज जब हमारे आए तो इन्होंने जय गुरु नाम को जगाया, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, शतयुग में गुरु नाम था, गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से उद्धार होता था, उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जय माने जयमान, या माने जो जयमान माने जो हमेशा रहे, तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं, गुरु के बगैर कोई एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकता। वेदव व्यास के लड़के सुखदेव जब साधना करते थे और विष्णु लोक के दरवाजे पर पहुँचते तो वहीं से वापस कर दिए जाते थे कि तुमने गुरु नहीं किया अंदर नहीं जा सकते हो। इसीलिए गुरु यहाँ रहते हैं कि गुरु लोग कर लें और आगे बढ़ जाएं, तो गुरु हमेशा रहे।
इसलिए बाबा जी ने हमारे गुरु महाराज ने जय लगाया और जो मने देने वाला। और जब उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और प्रभु भगवान का बताया तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि ये जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया। तो बोले कि अब तुम समझ लो कि यह भगवान का ही नाम है और ना विश्वास पड़े तो तुम परीक्षा ले लो। तो परीक्षा भी लिया, इम्तहान भी लिया लोगों ने, जा रहे हैं। मधुमक्खियाँ छेदने लगीं, तो मधुमक्खियाँ जब छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती हैं। और मधुमक्खी अगर चार किसी को लग जाए तो जानलेवा हो जाती है, क्योंकि उसके कांटे जो होते हैं वो जहाँ डंक मारती हैं वहीं टूट जाता है, फिर दूसरा जम जाता है, फिर दूसरी जगह डंक मारेंगे तो फिर वो अंदर रह जाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। तो जब देखा लोगों ने कि मधुमक्खियाँ लगी हुई तो छोड़ करके भगे, गुहार लगाया, दौड़ करके लोग आ रहे थे, देखा मधुमक्खी लगी हैं तो वो भी वापस हो गए। तब उसने कहा जय गुरुदेव नाम बोलना है, आजमाइश करना है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जब बोला तो हवा तेज चली, ऐसे घूमी ऐसे, और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में लगी, मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली गई, धुएं से और धूल से ये चली जाती। अभी कहीं जा रहे हो, छत्ता लगा है और कोई पक्षी उसको छेड़ दिया, गुस्से में आएंगे तो जो ही मिलता है उसी लग जाती, और कहीं आपको लग जाए बाई चांस तो धूल उड़ाना शुरू कर दो तो हट जाएंगे, फिर जान बच जाएगी। धुआं करने का जुगाड़ है तो धुआं कर दो। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है, जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जाकर के किनारे लगा दी, जान बच गई। मौत के समय जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ, हड्डी हड्डी चटकी, चिल्लाया, रोया, तो प्रेमी ने 10 बार जय गुरुदेव कान में बोल दिया, रोना चिल्लाना बंद हो गया, आँख खोल करके बोला कि अब मुझे आराम है। वो जल्लाद सब हट गए, हथौड़ी मुद्रा लेकर के आए थे, कूट रहे थे, मार रहे थे, मसाल लेकर आए थे, झुलसा रहे थे, वो सब हट गए, आराम से जा रहा हूँ। तो खूब आजमाइश किया लोगों ने, एक बार आप भी कर सकते हो, आप ही नहीं कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो यह है वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम क्या है? ध्वन्यात्मक नाम से ही सारा संसार बना है, अंतपिंड ब्रह्मांड सब उसी से बने हुए, और वो जब खिंच जाता है शब्द तब यहाँ दुनिया संसार में कुछ नहीं बचता है। तो वो मैं भी आपको बताता हूँ, शब्द को पकड़ करके ऊपरी लोकों में जाने का तरीका आपको बताता हूँ, वो नाम आपको बताता हूँ। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, ये चेहरा है, आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुँह से जो आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। ऐसे इस समय पर 5 धनि हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है, इनके लोकों से होकर के ये जीवात्मा जाती है, इसलिए इनका सुमिरन करना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि जिससे ये मदद करें, मदद न करें तो बाधा भी न डालें, वो भी एक मदद है, कोई बाधा न डाले तो वो भी एक मदद मानी जाती है। तो वो नाम अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा, जितना याद कर सको याद कर लो, ना याद हो पावे तो उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा, ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और लिख करके याद करके कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को, और टेप करके भी मत किसी को सुनाना। अगर आप टेप करके सुना दोगे या बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, अब ये नाराज हो जाए आपका नुकसान कर दें, इसलिए नुकसान वाला काम मत करना। दूसरी चीज़ आप और समझो कि जब आप आँख बंद करोगे, अभी सब तरीका बताऊँगा कैसे करना रहेगा, आँख बंद करोगे, मन को रोकोगे और आपकी जीवात्मा
ऊपरी लोकों में जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ में जाएगी, जो लोग सूर्यचंद्र लोकों में जाएगी और वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा जब देखेगी तो देख करके खुश हो जाएगी। और खुश जब हो जाओगे तो दूसरों को बताने लगोगे, हजम नहीं कर पाओगे, पचा नहीं पाओगे उस चीज़ को, लेकिन जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद हो जाएगा, वो देखना भी बंद हो जाएगा और वो सुनना भी बंद हो जाएगा। इसलिए किसी को बताना मत। अब आप ये भी समझ लो कि आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है और गृहस्थ आश्रम में ही करना है। इसी में आपका न धर्म छुड़ा रहा हूँ, न जात छुड़ा रहा हूँ। जहाँ आप रोटी पानी खाते हो, जहाँ शादी ब्याह लड़का लड़की का करते हो, वहीं करो, लेकिन 22 घंटे में से 2 घंटा समय यानी आप निकालना इस काम के लिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने का नाम है सुमिरन। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को, और कान से सुनने को कहते हैं भजन। तीन चीज और समझो, तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। होगे भाई ये कैसे, जो नए लोग आए हो, देखो दो आँखें ये बाहर और ये कान खंडर है जीवात्मा ने। इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा, वो यहाँ बीचों बीच में बैठी है। वैसे तो 3 साल का बच्चा हो, 20 साल का जवान हो, 90 साल का बुढ़ा हो, सबका शरीर उसके हाथ से 3.5 हाथ का ही होता है। ऐसे नापोगे तो बीच कहीं यहाँ पड़ेगा, लेकिन पैर काट दो, हाथ काट दो तो आदमी जिंदा रहेगा, और गला काट दो तो जिंदा नहीं रह सकता। तो सारा सिस्टम इस शरीर को चलाने का यहीं से लेकर के और यहाँ तक है, तो उसका बीचों बीच यहाँ है और यहीं पर जीवात्मा बैठी है और यहीं से पूरे शरीर को चलाती है। उसका प्रकाश यहाँ हृदय चक्र पर पड़ता है, यहाँ से वापस होकर नाभि चक्र पर और इंद्रिय चक्र पर, गुदा चक्र पर, तो यह शरीर चलता रहता है। यानी समझ लो कि 5 स्थान नीचे है यह कंठ चक्र, और ये यानी समझ लो आजा महाशक्ति का स्थान, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ बताई गई उनका बताया गया, और यहाँ पर शिव पार्वती का स्थान हृदय चक्र, और फिर ये जो है नाभि चक्र विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और ये आपका इंद्रिय चक्र ये ब्रह्मा सावित्री गायत्री सरस्वती का स्थान, और गुदा चक्र यानी समझ लो कि गणेश जी और विद्य सिद्धि का स्थान। तो ये 5 स्थान नीचे है और 5 स्थान ऊपर है, सहर दल कमल त्रिकुटी दशमा द्वार मोहर गुफा और सतलो बीचों बीच में ये बैठी है। तो ये एक आँख उसमें है, उस आँख से ऊपरी लोगों का नज़ारा दिखाई पड़ता है और इन बाहरी आँखों से बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब ये कान अंदर है जीवात्मा, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अनहत वेदवाणी कलमा खुदाई आवाज़ गैबी आवाज़ यानी आकाशवाणी जिसको लोग कहते हैं वो सुनाई पड़ती है। 3 नाक, तो नए लोग कहोगे 3 नाक कहाँ से होगी? देखो एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ, और जिसको आप नाक कहते हो ये तो 2 नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए इस तरह से बना दिया है। किसने बनाया है? जिसके लिए कहा गया अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो कई हजार आदमी आप बैठे हो लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता है? चेहरा नहीं मिलता, कुछ ना कुछ फर्क सबके चेहरे में, लाखों करोड़ों में जल्दी चेहरा नहीं मिलता है, तो ये उसकी कारीगरी है। तो 2 नाक के बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, उससे खुशबू जो मिलती है उससे मस्ती आ जाती है। रात को भांग पी ले, शराब पी ले, तो सुबह उसका नशा उतर जाता है, लेकिन नानक साहब ने कहा कि भांग बकुरी सुरा पान उतर जाए प्रभात, तो नाम कुमारी नानक का चढ़ ही रहे दिन रात, तो नाम की कुमारी का नशा नहीं उतरता है। तो अब आप ये समझो 3 आँख, 3 कान, 3 नाम और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बतलाया। अब आपको दूंगा नामदान, बैठो पांचवी बात, और बात
लाठी मार करके बैठ जाओ। पार ही नहीं था इस तरह से साधना करने का, तो वो कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। अब आजकल के पति अपने पार होने का ही नहीं कर पा रहे, तो इनको क्या पार करेंगे? इसलिए इनके लिए भी छूट कर दी गई। 7-8 साल का बच्चा जब से यह मोबाइल चला, टेलीविजन, तब से सारी जानकारी रखने लग गया, होशियार हो गया, तो 7-8 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत सरल, बहुत आसान, क्योंकि सांसों की पूंजी यह दिन रात खत्म होती चली जा रही। ये दिन रात जो चूहे आ रहे हैं, ये दिन रात चूहे की तरह से उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि कोई चीज आएगी जाएगी आएगी जाए, देर लग सकता है, दो आ जाए दो क्या, ये भगवान का नाम परमात्मा का नाम है, इसकी धुनी लगाओ। जगह जगह पर नाम धुनी करो, अखंड नाम धुनी चला दो, 24 घंटे की, 12 घंटे की, 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, जहाँ जिसके पास जैसा समय हो इकट्ठा हो जाओ। अब इकट्ठा हो करके और रघुगुरु नाम की धुनी बोलो, लोगों को बुला लो, आसपास के लोगों को बुला लो, पड़ोसियों को बुला लो, सत्संगी गए सत्संगी जो धार्मिक है उनको बुला लो, और 2 घंटे की ध्वनि आप लोग अपने अपने घरों में करो। देखो जैसे रिश्तेदारों को बुलाते हैं कथा में, पड़ोसियों को बुलाते हैं, और कोई मुंडन छंडन होता है बुलाते, इस तरह बुलाओ। नहीं ज़्यादा समय है तो 2 घंटे की तो हर कोई कर सकते हो। अब कहो भाई 2 घंटे की आज हमारे यहाँ हो जाए, फिर चलो दूसरे के यहाँ 2 घंटे की सुबह हो जाए, फिर दिन में हो जाए, शाम को हो जाए, जब जिसके पास समय हो। रोटी पानी बनाती हो आप लोग बच्चों को, और शाम सुबह आप व्यस्त रहती हो, तो दिन में इकट्ठा होकर के जय गुरु नाम की ध्वनि लगाओ। देखो जय गुरु नाम की ध्वनि लगाने से मन भी प्रसन्न होगा, इससे कर्म भी कटेंगे, विचार भावनाएं भी लोगों की शुद्ध होंगी, जो बोलेंगे उनकी भी और सुनेंगे उनकी भी। तो ये समझ लो कि पहली सीढ़ी है एक तरह से। अब आप ये समझो कि जब पहली सीढ़ी पर चढ़ोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ, तो दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी आपको मिल जाएगी। इसलिए आप सब लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप सब लोग अखंड नाम ध्वनि जरूर करो, सब लोग करो, अपने अपने घरों में भी अन्य ध्वनि को लगाओ। कैसे? खाना जब बन जाए बच्चों, समझ लो माताओं, खाना जब बना लो भोजन, और खाने को हो उससे पहले, भोजन परोसने से पहले घर में जितने भी लोग मौजूद हों सबको इकट्ठा करो, बच्चों को इकट्ठा करो, और आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय आपके पास हो, लेकिन नाम ध्वनि जरूर करो। नाम ध्वनि करने के बाद रोज भोजन परोसो, शाम को आदर डालो तो रोज होने लग जाएगा, और बच्चे करने लग जाएंगे। बच्चे जब करने लग जाएंगे, याद कर लेंगे, तो कहीं भी कोई मुसीबत आएगी, कोई बात होगी, तो फौरन जय गुरु नाम उनके मुँह से निकलेगा। तो जब अन्य नाम अन्य मुँह से निकलता है मुसीबत के समय, तो नाम ही मदद करता है। आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हो, आपके 2 बच्चे हैं, लड़की है, 2 लोग आपको, अब मान लो कोई बच्चा है और डर गया, या कोई बच्चे के पैर में ठोकर लग गई, तो जिसको वो बुलाएगा, मम्मी कहेगा तो मम्मी देखेगी, अरे बेटा क्या हो गया, पापा बोलेगा तो पापा देखेगा, जल्दी से फौरन देखेगा, फौरन बचाने की कोशिश करेगा, भाई का नाम लेगी, बहन का, जिसका भी नाम लेगा वो, उसी की नज़र तुरंत पड़ेगी। ऐसे ही वो स्वामी जी ने कहा ना, कोटि कोटि मुन जतन कराएं, कंत राम कही आवत नहीं। आखिर में नाम मुँह से अगर निकले, आखिरी वक्त पर जिसका नाम निकलेगा वो मदद करेगा, तो यमराज के दूत आएंगे, या काल जो सजा देने जा रहा है, मुसीबत में डालने जा रहा है, वो आएगा, वो तो हट जाएगा। इसलिए ये जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलना जरूरी है। और छोटे बच्चे तो यानी जब किसी काम में लग जाते हैं, जब कोई सीख जाते हैं, याद कर लेते हैं, बराबर करते हैं, और ना भी तो भूख लगेगी, तो जब भूख लगेगी तो जब ये देखेंगे कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ही लगाएंगे जब, तब खाने को मिलेगा, तब तो वो लगाएंगे, बैठ जाएंगे, आपसे पहले बैठेंगे, तो उनकी भी आदत बन जाएगी और आपकी भी आदत बन जाएगी। तो यह
आने समझ लो कि आप लोग चालू कर दो, आज से ही आने चालू कर दो, कल से ही चालू कर दो, और अपने अपने घरों में लोगों को बुला करके 2 ही घंटे का करो, ज़्यादा नहीं, लेकिन सब जगह ढूंढी करो, और फिर अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने जिले में, तहसीलों में इकट्ठा होकर के जितने भी प्रेमी सब लोग ढूंढी करो, ज़्यादा समय के लिए करो। अभी तो 5 दिन का समय दिया गया था, 5-6 दिन का ऐसा दशहरा यानी गंगा दशहरा से लेकर और पूर्णिमा तक, तो बराबर लोगों ने 24 घंटा चलाया और बराबर अनवरत चला, और अब भी जगह जगह चल रहा है, और हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी ध्वनि ये चल रही है। तो ध्वनि बोलना इस समय पर बहुत जरूरी है आने वाले खराब समय से बचने के लिए, यानी यह एक वरदान सिद्ध होगा। अभी तो आपके समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन यह समझ लो कि इस चीज़ को अगर आपने अपना लिया और पकड़ लिया तो आप देखना कितना आपको फायदा लाभ दिखाई पड़ रहा, कितनी शांति मिल रही, कितनी मुसीबत में आपकी बचत रक्षा हो रही, इसको करके आप देखो। अब और सरल कर देते हैं इसको, और आसान कर देते हैं। देखो जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हो या जो भी मनुष्य शरीर में हैं, सोते सब लोग हैं, सोवे न तो आदमी बीमार हो जाए मर जाए, सोते सब लोग हैं। सोने से पहले थोड़ी देर आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव की ध्वनि लगाओ, 5 मिनट 10 मिनट, जब तक नींद ना आ जाए तब तक जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अंतर में ही लगाते रहो, बोलते रहो, नींद आ जाए तो सो जाओ। देखो नींद में भी आपको अच्छा लगेगा, नींद भी अच्छी आएगी, तो बराबर ध्वनि लगाओ जय गुरुदेव नाम की, और इस बात का प्रचार भी करना। जो धर्म प्रेमी हैं, शाकाहारी हैं, नहीं भी शाकाहारी हैं, धर्म को मानते जानते हैं, उनको भी कहो भाई गुरु का नाम है और गुरु हमेशा रहे। गोस्वामी जी महाराज ने गुरु की वंदना किया और कहा गया कि भगवान खड़े हों, गुरु खड़े हों, गुरु गोविंद बाबू खड़े काके लागो पाए, तो कहा गया कि गुरु बलिहारी उनके जो गुरुदेव बताए, जो जो भगवान को बता बलिहारी गुरु आप जो गोविंद देव बताए, तो मतलब यह है कि गुरु का बड़ा महत्व रहा है, तो गुरु का नाम है, आप भी गुरु का नाम लो और लेकर के देखो, तो बराबर इस बात का भी प्रचार कर दो। और पहले के जो प्रचार चल रहे हैं शाकाहारी के, यानी लोगों को सदाचारी बनाने के, वो भी चलता रहेगा। अपने स्तर से जो जितना कर सकते हो करते रहो, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाते रहो, नहीं बनेंगे तो मरेंगे बहुत, क्योंकि कुदरत है नाराज खड़ी, कुदरत बिल्कुल नाराज खड़ी, पाप बहुत होने लग गया, धरती पर देखो कितना पाप हो रहा है, कितना खून बह रहा है, तो धरती भी तो पाप से बोझिल होकर हिलेगी, और जब धरती हिल जाएगी है तो ये 150-150 मंजिल के मकानों का क्या हाल होगा सोचो। अरे मोटी बात आपको बता दूँ, अभी 24 घंटे के लिए बिजली पूरे हिंदुस्तान में बंद हो जाए तो अभी अल्लाह तौबा मच जाए, नास्तिक भी भगवान को याद करने लग जाए, वो भी खोटा खोटा बोलने लग जाए अभी, तो ऐसे ही जब आफत आएगी, धरती हिलेगी, जब सबके जान के ऊपर आफत आएगी, कौन किसकी मदद कर पाएगा, तो ये सब तो अभी घटनाएं आगे घटेंगी। अब यह निपाह एक बीमारी है, कहाँ पर निकली है, कहाँ से निकली है, पढ़े लिखे लोग आप लोग समाचार में सुनते पढ़ते हो गए, केरल में तो बहुत मानसा है, बहुत, मैं तो सब जगह पे आऊँ देखा हूँ बहुत, आपके तमिलनाडु में, आपके आंध्रा में, केरल में बहुत मांसाहारी। तो अब आप ये समझो कि अगर यही हो जाए कि जो मांसाहारी हैं उन्हीं को ये बीमारी लगेगी, तब फिर क्या करोगे, और निपाह का बता रहे हैं कोई दवाई ही नहीं, हिंदुस्तान के डॉक्टर ही नहीं विदेशों के डॉक्टर भी हाथ उठा दिए, बोले इसकी बीमारी ही नहीं, और छूत की बीमारी है, जो डॉक्टर इलाज करता है उसी को लग जाती है, जो नर्स सेवा करती है उसी को लग जाती है, जो साथ में रहता है उसी को लग जाती है, तो छूत की बीमारी है। अब छूत की बीमारी तो बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन ये बीमारी बीमारी कुछ नहीं, बीमारियां तो अभी आगे आएंगी, 1 रुपये की दवा 1000 रुपये में भी खोज नहीं मिलेगी, ऐसी बीमारियाँ आएंगी। ये प्राकृतिक आपदाएँ बहुत बढ़ेंगी, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, अकाल है, महामारी, यह सब बढ़ेगी, अभी चोरी डकैती ये सब घटनाएं भी बहुत घटेंगी, अभी धोखाधड़ी बहुत बढ़ेगी, धोखा खूब लेते हैं लोग और ठगी कर ले जाएंगे, इसीलिए तो कहा जाता है
फिर लालच में मत पड़ना, लालच में पड़ोगे तो घर से भी चला जाएगा। इसलिए जो है उसी पर संतोष करो, विश्वास करो, बहुत ज़्यादा लालच में कर। बहुत लोग फंस गए लालच में, पैसा फंस गया लोगों, क्योंकि एक वर्ग ऐसा ही समाज में अब चल रहा है कि जो केवल यानी ठगी का ही रोटी खाता है, वही कमाई करता है। एक वर्ग ऐसा चालू हो गया कि जो बच्चों को ही बर्बाद करता है और उन्हीं से पैसा ऐड करके अपनी कमाई करता है, खाता है। तो भाई होशियारी तो बरतना ही है, होशियारी नहीं बरतोगे, होशियारी से अगर देश में नहीं रहोगे, नहीं चढ़ोगे, तो फिर फंस जाओगे। इसलिए होशियारी से रहना है। अच्छा समय तो आएगा, अच्छा समय जब आएगा तो देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे मछली की दुकान ही नहीं होगी। बहुत से लोग हमारे कहने से बंद कर दिए, कह रहे हैं मांसाहारी होटल बंद किया, अब अच्छा चल रहा है, अंडे मछली की दुकानें थी बंद कर दिया धंधा, और कह रहे हैं दूसरा धंधा किया, अब अच्छा चल रहा है। तो उपाय होता है बरकत का। मेरे पास तो तरीका है, मैं बता दूं, एक कमाए और दस खाएं, ऐसा भी तरीका, बरकत खास चीज होती है। बरकत मिल जाए तो सब मिल गया, तो समझ लो दुकानें सब बंद हो जाएंगी। यानी समझ लो अच्छा, इतना अच्छा समय आ जाए कि कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की भी नीयत ही नहीं खराब होगी। भावना की ही तो बात होती है, जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। भावना बदलेगी लोगों के, विचार बदलेंगे लोगों के, लोगों के अंदर आध्यात्मिक विकास होगा। भारत यानी जो विज्ञान पहले यानी लोगों को दे दिया दूसरे देश के लोगों को, अब उससे वो सूरज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, चांद पर चले गए, ये सब सारी विद्या भारत की, आध्यात्म विद्या से ही सारी विद्याएं उपजती हैं। और दुनिया की सारी विद्या जहाँ से शुरू हो जाती है, खत्म हो जाती है, दुनिया की सारी विद्या जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। भारत आध्यात्मिक गुरु बन करके उभरेगा, लेकिन उस समय के आने में भी थोड़ा देर है। ये कब होगा? जब सतयुग का प्रादुर्भाव इस धरती पर होगा, तो होगा तो लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है। और हमारे गुरु महाराज तो बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो आएगा तो, लेकिन कलयुग जब हटेगा तभी तो सतयुग उस गद्दी पर कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि एक कुर्सी पर दो राजा तो बैठ नहीं सकते। तो कलयुग जब जाने लगेगा तो बहुत लोगों को ले जाएगा अपने साथ, जो लोग कलयुग से प्रेम करने वाले हैं सबको ले जाएगा, रगड़ते हुए। तो बहुत मरेंगे, अब सब मरी जाएं हैं तो सतयुग कौन देखेगा। इसलिए आपको हम अच्छा आदमी मानते हैं, आप धार्मिक हो, अच्छे आदमी हो, आप सतयुग के योग्य लोगों को बनाओ, समझाओ। पशु और पक्षी आप ही चरे, पशुओं के सामने यानी जो घास होती है वो खुद अपना खाते हैं, और दूसरा पशु आ जाए तो मार के भगाते हैं उसको, लेकिन मनुष्य तो दूसरे को भी खिला सकता है, मनुष्य परोपकार कर सकता है। तो सबसे बड़ा परोपकार तो यही है कि लोगों को सतयुग दिखा दिया जाए, सुधार दिया जाए, अकाल मृत्यु से बचा दिया जाए। तो अपने अपने स्तर से आप लोग सब प्रयास करो, हम तो बराबर लगे हुए हैं, बराबर। आप समझ लो कि इस तरह से हमारा व्यस्त कार्यक्रम बनता है कि समझ लो कि आप सोचोगे कैसे ये चल रहे हैं, लेकिन अब गुरु का काम है, गुरु का मिशन को पूरा करना है। यानी समझ लो जैसे बाप मकान बनाता है, अब मान लो मकान बनाने के समय पूरा हो गया, तो बच्चे उसको नहीं बनाएंगे, नहीं तैयार करेंगे। तो गुरु महाराज का काम पूरा करना है, इसलिए सोच रहा हूँ जब तक शरीर चल रहा है तब तक इससे सेवा ले लो, कर लो, मालिक का मिशन पूरा हो जाए, गुरु का नाम देश दुनिया में यानी पहुँच जाए, गुरु का मिशन पहुँच जाए, और उस मिशन से लोगों को लाभ मिल जाए। तो आप लोगों को भी इस बात को सोचना चाहिए और करना चाहिए। तो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा।
अब करूंगा छुट्टी क्योंकि 3 घंटा होने जा रहा है। अरे कर दूं छुट्टी, बगन भजन किए हुए कोई छुट्टी नहीं, भजन तो करनी पड़ेगा थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं 5 मिनट, तो डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा सुमिरन में भी डालेंगे, ध्यान में भी और भजन में भी। आंख बंद करो, मुंह बंद करो और कान बंद करो, आवाज को अंदर में पकड़ने की कोशिश करो, बैठ जाओ भजन पर, कान में उंगली लगाओ, कान में उंगली लगाओ, रोटी कपड़ा जो भी ऊपर से डाले हो उसके अंदर से कान बंद करो, कान में उंगली लगाओ और आवाज को पकड़ने की कोशिश करो, बैठ जाओ, करने की कोशिश करते रहना। तो देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, वहाँ कार्यक्रम होता रहता है, इधर के लोग जाते हैं, आप लोग भी थोड़ा समय निकालिएगा, जब वहाँ कोई कार्यक्रम की खबर आपको लगे तो आप उधर आइएगा। और अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा 26 और 27 जुलाई को जयपुर में, तो वहाँ भी सत्संग चलेगा, तो वहाँ भी दर्शन दीजिएगा, आइएगा, दर्शन देते लेते रहने से बड़ा लाभ रहता है, प्रेम बना रहता है। तो अब होगी एक आरती, लेकिन ये आरती कैसी है, ये धूप वाली आरती नहीं है, ये दिया चिराग घी और ये बत्ती जो अन्न डाल करके अन्न दिया जलाते हैं ऐसी आरती नहीं है। ये जो जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई ये जो आरती करती है सदगुरु की, ये जो प्रार्थना करती है वो आरती है, तो वो मैं पहले बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, विनय करूं मैं दो कर जोरे सत गुरु दार तुम्हारे, विनाग्रत दीपयारते साजू दो अखियान मरदारे, बाउ सहित नित बैठि जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे, अगध्वनि सुनहु श्रवण हिए अपने मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे, शंख मृदंग सरंगी बंशी वीणु सुनारे, सुनारे
गावत जय जय कारे गुरु द्वार तुम्हारे सत गुरु द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके बड़े आभारी हैं। व्यवस्थापक के प्रचारकों के जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी प्रबोधन नागरिक ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन धरना घेराव से दूर रहना, फिफलकेबाजी से दूर रहना, मानवता का पाठ पढ़ना, मानवता का पाठ लोगों को पढ़ाना, नियम कानून का पालन करना, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना और बराबर ध्यान भजन करते रहना, शाकाहारी सदाचारी सब लोग रहना। बोलो जय गुरुदेव। कल 2 तारीख को हमारा कार्यक्रम लखीमपुर में और 3 को श्रावस्ती कटरा और 4 को रहरा बलरामपुर और 5 तारीख को फैजाबाद और 6 को है रायबरेली और 7 को बांदा और 8 को उन्नाव और 9 को बाराबंकी और 10 तारीख को जम्मू यानी कश्मीर श्रीनगर और फिर यानी 11 तारीख को जालंधर और 12 को लुधियाना और फिर उसके बाद में 13 तारीख को यानी समझ लो इधर आ जाएंगे आपके दिल्ली और फिर 14 तारीख को इधर यानी समझ लो कि आगरा जिले में बन रहा है और फिर 15 तारीख को यानी चला जाऊँगा आपके ऊधम सिंह नगर काशीपुर और 16 तारीख को यानी आपके फिर उधर वापस उधर इलाहाबाद की तरफ आना है उत्तर प्रदेश में। तो बराबर दौरा चल रहा है, लगा हुआ हूँ, आप लोग भी लग जाओगे तो जल्दी से काम हो जाएगा, सुख शांति का माहौल लोगों के लिए बन जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।